यस सर, वी कैन स्टार्ट, वी आर लाइव। नमस्कार सभी बीएलई भाइयों बहनों को, मैं विपुल खंडेलवाल आज आपका होस्ट। जैसा कि जानते हैं कि अभी हमने आज़ादी का उत्सव सेलिब्रेट किया है, तो पहले हम सीएससी परिवार की तरफ से सभी बीएलई भाइयों बहनों और उनके परिवार को आज़ादी और इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत बधाई हो। और आज जिस इवेंट और जिस कार्यक्रम के लिए हम जुड़े हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि आज दो मेजर चीज़ों का हम लॉन्च करने वाले हैं। फर्स्ट इज MBA। MBA जैसा कि आप जानते हैं, इसका पूरा नाम मल्टी ब्रांड ऑटोमोबाइल बुकिंग पॉइंट्स है, जो कि गामिनी स्टोर एक नया इनिशिएटिव है जो त्यागी सर ने एक इनिशिएटिव रखा था, आज उसका हम एक हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सेकंड हम वोकल फॉर लोकल, जो कि एक हमारा सीएससी गामिनी स्टोर का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे वोकल फॉर लोकल कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म दें। तो आज उसमें काफ़ी कुछ वेस्ट बंगाल की वोकल फॉर वोकल कंपनीज हैं जिनको भी आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए पहले हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे MD सर डॉक्टर दिनेश त्यागी सर का। वेलकम सर इन दिस इवेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू विपुल, सभी को नमस्कार। इसी के आगे आगे हम वेलकम करना चाहेंगे CEO ऑफ ग्रामीण स्टोर राजा किशोर सर का। वेलकम सर। नमस्कार, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथ ही हम वेलकम करना चाहेंगे सुबोध मिश्रा जी, जो कि CTO ग्रामीण स्टोर हैं। वेलकम सुबोध सर इन दिस इवेंट। साथ ही हमारे साथ वेरियस जो हमारे स्टेट हेड है, जो हमारे स्टेट्स को लीड करते हैं, तो अलग अलग स्टेट से हमारे स्टेट हेड भी आज इस इवेंट में जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा अतुलित जी का, जो कि उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड हैं। वेलकम अतुलित सर। फिर मैं स्वागत करना चाहूँगा मदन मोहन जी का, जो कि छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड हैं। वेलकम मदन जी। थैंक यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल, थैंक यू। साथ में फिर हम स्वागत करना चाहेंगे स्वर्ण प्रभात सिंह जी का, जो कि उड़ीसा की स्टेट हेड हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ एंड थैंक यू सो मच। वेलकम करना चाहेंगे नेक्स्ट कमलेश बंजारिया जी, जो उत्तर जो मध्य प्रदेश के स्टेट हेड हैं MP में। थैंक यू, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम आशीष पवार जी, जो कि राजस्थान स्टेट हेड हैं, उनका वेलकम करना चाहेंगे। साथ में फिर हम वैभव जी, जो हमारे महाराष्ट्र के स्टेट हेड हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। एंड लास्ट में हम हमारे जो JNK के स्टेट हेड हैं डॉक्टर जी शहनवाज जी, उनको हम वेलकम करेंगे। वेलकम शहनवाज जी। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच सर। साथ में हम ऑल्सो रवि सभी ऑल्सो विपुल ऑल्सो रवि विपुरी इज ज्वाइंड, आई थिंक ही इज ऑल्सो नॉट डेडिकेटेड बट लुक आफ्टर द स्टेट कंप्लीटली। या तो अभी आल्सो वेलकम द रवि इन दिस इवेंट। रवि इज आल्सो लुकिंग एट द AP, सो वेलकम रवि इन दिस इवेंट। और साथ में हम सभी BLEs जो यहाँ इस इवेंट में जुड़े हैं, जिन्होंने MBAs में और काफी अलग स्थिति में काम किया है, तो हम उन सब BLEs को भी वेलकम करना चाहेंगे। साथ में हमारे कुछ स्टेट स्पोक्स ग्रामीण के हैं, वो जुड़े हैं हमारी टीम को, तो वेलकम टू ऑल। और इस कार्यक्रम को अब आगे लेते हुए हम पहले सर्वप्रथम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम MBA क्या है, कैसे होता है, क्या वर्क करता है। तो आई थिंक इसको डिटेल में जानकारी के लिए आई वेलकम इंट्रोड्यूस टू राजा सर, कि राजा किशोर सर आप MBA के बारे में पहले बताइए कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इसका नींव रखा और इसका क्या एक ऑब्जेक्टिव है इसको ग्रामीण स्टोर में आगे ले जाने के लिए। तो ओवर टू यू राजा सर। थैंक यू विपुल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा MD सर, स्टेट हेड सुबोध जी एंड ऑल VLEs अक्रॉस द कंट्री हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम। एंड ये एक अच्छा शुरुआत है, बिकॉज MBA मल्टी ब्रांड ऑटो ई स्टोर्स, विच इज अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव ऑफ CSE ग्रामीण ई स्टोर, वेर इन वी कैन एक्चुअली सेल मल्टीपल कंपनीज ऑटोमोबाइल ब्रांड्स अंडर वन बैनर कॉल्ड CSE MBAs। सो आपको पता है MBA का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है, बट हमारा VLE भाई जो गांव में जो लर्निंग व्हाट दे लर्न फ्रॉम सर्विंग सिटीजंस ना, विच इज इक्वलेंट टू एन MBA। एंड आज हम फॉर द लास्ट 1 ईयर वी हैव बीन सेलिंग मल्टीपल ब्रांड कार्स एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का कार्स बेच रहे, रेनॉल्ट का, टाटा का, महिंद्रा का,
एंड कमर्शियल ऑटोज भेज रहे, टाटा का कमर्शियल व्हीकल्स भेज रहे, महिंद्रा का कमर्शियल व्हीकल भेज रहे, ई बाइक्स भेज रहे, मोटोवर्ल्ड ई साइकिल भेज रहे, एंड वी आर ऑल्सो सेलिंग नाउ अशोक लेलैंड बसेस एंड ट्रक्स आर ऑल्सो बीन सोल्ड ऑन सीएससी ग्रामीण स्टोर प्लेटफॉर्म. जैसे कि आपको पता है दैट सीएससी टूडे इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड देर आर लैक्स ऑफ वीएलईज हु आर वर्किंग विद सीएससी एसोसिएटेड विद मल्टीपल प्रोजेक्ट इन मल्टीपल वेज विथ मल्टीपल मॉडल्स. एंड हम सोचे हैं कि जो लोग, बिकॉज आपको पता है लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई रनिंग पसंद करता है, कोई लॉन्ग जंप पसंद करता है, कोई वॉलीबॉल और कोई बास्केटबॉल, कोई क्रिकेट. सो बेसिकली हर एक वीएलई का अपना खुद का एक स्किल सेट रहता है. एंड सम पीपल एक्सेल इन बैंकिंग, सम पीपल एक्सेल इन इंश्योरेंस, सम पीपल एक्सेल इन यूसीएल, सम पीपल इन ईश्रम जी टू सी सर्विसेस एंड ऑल. एंड द यूनिकनेस ऑफ सीएससी इज दैट वी हैव wide range of skill sets available with the VLEs. At the same time, we also want to make some of the VLEs expert in some particular domains. And Grameen e-store mein aaj, whenever we started during COVID, if you look at our journey, because earlier we started selling biscuits, salt and all, and today we have reached a stage where we are also selling Ashok Leland ka ek bus bhi recently book hua tha Rajasthan mein. So that means the range of potential what CSE Grameen e-store and the skill of the VLE as is very huge. And first of all, I would like to congratulate all the VLEs, because agar aap 15 August ka apna honorable PM ka speech agar aap sune to usme clear cut hamara Pradhan Mantri ji bataya ki CSE ka yogdan hamara desh ka development ho ya service taking services to the last mile in the villages, CSE ka bahut hi ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है. एंड इट इज ए ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड, बिकॉज हम जब सी एस सी में काम करते हैं हम गर्व भी फील करते हैं. इसी तरह लाखों वीएलई भाइयों और बहनों, एंड वी आर ग्रेटफुल टू अवर त्यागी सर, बिकॉज दिस काइंड ऑफ मोमेंट, अगर रेड फोर्ट से मैसेज जा रहा है देश में दैट सी एस सी वाले अच्छा काम कर रहे हैं, दिस इज ए ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस. एंड वी कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू. हमारा जो भी सी एस सी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स है, टीम है, स्टेट हेड्स है, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन एज ए टीम वर्क इट हैज गिवन दैट रिजल्ट एंड इट इज ए ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड. सेकेंडली, जो आज हम MBS, सो मल्टी ब्रांड ऑटो ई स्टोर्स है, सो दीज आर द स्पेशलिटी स्टोर्स विच आर एक्चुअली एक्सेल्ड इन सेलिंग वेरियस ब्रांड्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, वो टाटा का हो या रेनो का हो, महिंद्रा का हो एंड अशोक लेलैंड का हो, कमर्शियल व्हीकल हो, ई बाइक हो, ई साइकिल हो, नॉर्मल साइकिल हो. बिकॉज इन इंडिया देर इज ए ह्यूज मार्केट. ऐसा नहीं कि अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, एक महीने में इंडिया में 250,000 कार बिक रहे हैं. अभी जून अगर आप जून की बात सुने तो 2.5 lakh कार्स हैव बीन सोल्ड इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जून 2022. So which is actually a very big number, and usme se even rural contribution is also a great number which we have with MBS. So MBA kya hai, MBA how it can differentiate the process, let me explain you. Multi brand auto e-stores are the specialty Grameen e-stores which are designed with a good branding and good set of guidelines which are needed for the customers. One, hum log gaon mein jo विलेजर्स रहते हैं, रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, जहाँ डीलरशिप का कमी है, जहाँ गाड़ी लेके जाने में भी दिक्कत होता है, सो ऑल दोज पीपल कैन नाउ यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ MBS. फर्स्ट थिंग इज दैट वी कैन एक्चुअली कस्टमर को एक एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं हम, बिकॉज कस्टमर्स ऑलवेज वुड लाइक टू गो टू ए शॉप वेयर दे हैव द फील एंड लुक ऑफ द एक्सपीरियंस व्हाट दे गेट व्हेन दे गो टू द शॉप. बिकॉज बार बार जाने का मतलब है कि once you are satisfied with that store, people go come again and again to you. One second thing kya hai, hamara major investment what we are looking at is the trust, jo VLE ke upar citizen ka trust hai, this is the major investment for success of any product or service in CSE ecosystem. So aapka jo bhi trust factor hai with your local community, with your local organizations or with your local partners, so that is going to be our major investment, because board dikhane se awareness create hota hai, but jab customer aapke paas aata hai usko good experience is like you should give full information about the product, second hum usko loan bhi kar sakte hain, third usko insurance bhi kar sakte hain,
फोर्थ फास्ट टैग भी कर सकते हैं और फास्ट टैग खरीदने के बाद उसका रिचार्ज भी हम कर सकते हैं. सो यू कैन एक्चुअली डू, यू कैन गिव अ व्हीकल, यू कैन गिव द लोन, यू कैन गिव द इंश्योरेंस एंड यू कैन ऑल्सो गिव द फास्ट टैग. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू गिव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू द कस्टमर, बिकॉज कभी कभी ये होता है कि डीलरशिप जाने के लिए भी कस्टमर हेजिटेट होता है. 50 किलोमीटर में डिस्ट्रीब्यूटर है, 100 किलोमीटर में डिस्ट्रीब्यूटर है, नहीं तो 40 किलोमीटर में डिस्ट्रीब्यूटर है. सो हमारे MBAs क्या कर सकते हैं, वी आर ऑल्सो टॉकिंग टू अवर पार्टनर कंपनीज एंड वी आर टेलिंग देम टू अरेंज द पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम द MBA लोकेशन टू द डीलर लोकेशन. सो अगर कस्टमर इंटरेस्ट दिखा रहा है कि मुझे गाड़ी खरीदना है, वो MBA में आए तो द MBA, whoever is the VLE running the MBA center will actually facilitate the taking the customer to the dealership and bringing him back to the MBA location. This is a one of the convenience factor which we are adding into the MBAs. Second thing, hum log MBAs ke saath video calling bhi, if somebody wants to have more clarification, because end of the day, jaise ki main bataya, 10,000 MBAs hum setup karenge and usme all these 10,000 MBAs will be trained properly and they will also given the connectivity to the nearest dealership to explain more about the product and the details. Surya, can you take us to that slides? I have 2-3 slides which actually will take you through that experience. Yeah, next. We want to give a digital showroom experience. Agar aap dekh sakte hain na, so we definitely want to give whatever vehicle you want to buy, whether it is a 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler, commercial vehicle, truck, tractor, electrical vehicle, jo bhi vehicle usko chahiye, wo hum facilitate karenge. Second thing is that, most important thing is that, abhi humare paas 3 lakh e-stores are there or 5 lakh VLEs are there, CSE centers are there. बट हर एक जगह टेस्ट राइड का सेटअप करना थोड़ा मुश्किल का काम है. तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी टॉकिंग टू द ऑल दिस पार्टनर कंपनीज विद हुम वी आर वर्किंग एंड दीज MBAs विल बी एक्टिंग लाइक ए टेस्ट ड्राइव सेंटर्स ऑल्सो. सो महीने में 1-2 दिन जो भी मार्क फॉर द स्पेसिफिक कंपनी, वो गाड़ियां MBA के पास आएंगे एंड यू कैन एक्चुअली एलो कस्टमर्स टू डू ए टेस्ट राइड ऑफ द व्हीकल एंड अंडरस्टैंड उसका गियर सिस्टम क्या है, व्हाट आर द फीचर्स एंड ऑल दैट, दैट ऑल्सो कैन बी डन. And second, loan eligibility insurance already I told. Next, Surya. And see, one of the important factor, because Tyagi sir bhi bata rahe the ki one hai, ek achha board lagne se kya hai, awareness create hota hai. But local community mein, jab logon ko pata laga ki bhaiya, mere ko kuch gaadi kharidna hai, to mere ko MBA ke paas jana hai. Because customer also requires some guidance, support and all. And end of the day, we are working with all the companies with whom we have partnered. And for us, all companies are equal. So we are a neutral platform, like we do in banking, insurance and pension. Jo bhi hum banking karte hain, hum log sabhi banks se kaam karte hain. Or similarly, insurance also, we work with all the companies. End of the day, customer choice is very important. Agar usko Tata vehicle chahiye, we will coordinate with Tata partner and get the things done. If Renault or Mahindra or other Ashok Leyland or Tefet tractors or escorts or jo bhi company hamare saath kaam kare unko hum facilitate karenge. Then second is that we are also want to create an ambience. So my VLE bhai ko request karunga, see jo log 10 lakh ka gaadi kharid rahe, 5 lakh ka gaadi kharid rahe, 15 lakh ka gaadi kharid rahe, so they expect some kind of good ambience in the our MBA center. So aap, main request karunga, aap one cleanliness neat lagaiye center. अगर आपका अफोर्डेबिलिटी है तो कीप ए नाइस सोफा एंड ए टेलीविजन ऑल्सो इन दैट प्लेस एंड इवन यू शुड ऑल्सो बी एबल टू गिव कॉफी और टी व्हेन सम कस्टमर कम्स टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूर साइड बिकॉज ये पूरा डीलर्स करते हैं बड़े बड़े शहरों में एंड वेर एवर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड ऑल बट वी कैन गेट दैट एक्सपीरियंस टू अवर कस्टमर्स बिकॉज एंड ऑफ द डे यूअर कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको भी इंपॉर्टेंट है पार्टनर को भी इंपॉर्टेंट है ई स्टोर को भी इंपॉर्टेंट है. So you need to take care of your customer in a proper way because ye electricity bill pay karne ka system nahi hai because here the information we are talking about is 5 lakh ka 10 lakh ka gaadiya hum bech rahe. So definitely customer will need to be seated properly, communication jyada rehna chahiye and all, and you will also be given lot of information brochures about various products and other things.
And we also tell the customers, okay, what are the potential, because आपके पास सिबिल है, लोन प्रोसेस HDFC है, एक्सिस है, जो भी कंपनी का आप है, अदानी कैपिटल ऑल्सो नाउ इज गोइंग टू फंड फॉर मोटर व्हीकल्स वेरी सून. सो ऑल दीज थिंग्स टूगेदर विल एक्ट एज ए डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर. एंड हम HDFC के साथ अभी एक एक्सप्रेस लोन प्रोडक्ट भी टेस्ट ट्रायल भी कर लिए है एंड इट इज वर्किंग. सो विद इन हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स ना जो कस्टमर आपके पास बैठता है ना उसको अप्रूवल भी या रिजेक्शन भी मिल जाएगा. सो एंड ऑफ द डे अभी लोन अप्लाई करके कब लोन आता कब इंफॉर्मेशन आता वो जरूरी नहीं है. इधर MBA में वी आर इंश्योरिंग दैट कस्टमर शुड ऑल्सो गेट एन अप्रूवल लेटर देर. अगर 10 लाख का गाड़ी है उसको कितना एलिजिबल लेवल है उसका हिसाब से उसको 5 लाख का 8 लाख का जो भी लोन अमाउंट अप्रूवल है ना वो HDFC वाले भी दे हैव एक्चुअली गिवन एज ए गुड डेमो एंड दे ऑल्सो पायलटेड इन कपल ऑफ लोकेशन इट इज वर्किंग फाइन. वीडियो EKYC के साथ वो लोग अप्रूवल भी दे दे रहे. नेक्स्ट देन एज आई टोल्ड यू द बुकिंग ऑफ एन ऑटोमोबाइल ऑलरेडी आप सब लोग बिकॉज फॉर योर इंफॉर्मेशन वी आर सेलिंग क्लोज टू अराउंड 300 vehicles in a month. Average, if you look at na, 300 vehicles are sold, retailed in our ecosystem through CSE Grameen e-store or mobility platform and all. So we are actually doing that. जैसे कि मैं बताया 250,000 गाड़ियाँ एक महीने में बिक रहे हैं. So we should actually at least try to sell 10% of that. Or नहीं तो 1% also will be 2,500 vehicles. And ये जरूरी हम कर सकते हैं विच इज अचीवेबल डूएबल एंड इट इज पॉसिबल ऑल्सो. सो काइंडली रिक्वेस्ट VLE टू थोड़ा सोचिए बिकॉज आपका अच्छा दिल है अच्छा दिमाग है. सो दोनों को तालमेल करके लेट अस एक्चुअली लुक एट ए बिगर नंबर बिकॉज एक दो तो कोई कर देगा. सी एक दो करने वाले डेफिनेटली इट विल हैपन बट हु डज 5-10 एंड ऑन ए कंसिस्टेंट वे. जैसे कि आपको पता है क्रिकेट में भी ना the people who scores consistently will be having the great numbers and all. So consistency is very important and it is not like jab customer aaya tab karenge. So this MBAs are itself a good business model wherein hum log har ek MBA 5 se 10 gaadiya har mahine they should try to retail. Aapko choice also we have created partnerships, we have created options for you also and growth option also. Hum company se bhi बात कर रहे हैं कि जो लोग MBA के फोकस्ड वे में काम करेंगे ना इनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स भी बढ़ जाएगा बिकॉज इनका ड्यूटी है यू शुड एक्चुअली क्रिएट अ जॉब आल्सो बिकॉज आई नो VLEs आर बिजी विद लॉट ऑफ वर्क्स. MBAs में एक जॉब भी आप क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट सूर्य. एंड अगर आप आज देखें तो वी हैव 1604 MBAs registered across the country and it is a good figure to start. Okay, and जैसे कि मैं बताया इन सभी लोग जो लोग interest दिखा है that we want to excel in selling automobiles, इनका हम training भी करवाएंगे, इनका physical भी trainings होते हैं अपना partner के पास and at the same time companies are also will come, they are also willing to support you. I am telling you all the partners with whom we are working, whether it is Renault or whether it is Tata or Mahindra, Ashok Leyland, commercial, electric auto, Okinawa, or all companies with whom we are Moto World, we are working, they are ready to help us and they also want VLE to grow. Because end of the day, unko bhi kya hai? Ye gaon mein gaadi bechne ka channel is a good channel. Because it is not today, the problem we are addressing is that aapko car kharidna hai, CSE e-store mein jaiye, nahi to MBA mein jaiye, aapko sab kuch mil jayega. This is the message what we are going to give to the local villagers and make it a convenience way of buying a car. Okay, thank you. Next. So even we are actually talking to partner companies. अभी दो तीन कंपनी से हमारा बात भी हुआ है. वो लोग बोले हैं कि जो MBAs में ऑर्डर लगाते हैं उनका फास्ट डिलीवरी भी हम करवा सकते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द एश्योरेंस वॉट कंपनीज हैव गिवन एंड वी विल डेफिनेटली डू दैट. एंड डीलर मैपिंग भी करना चाहिए बिकॉज अभी क्या है डीलर्स क्यों जरूरी है बिकॉज कोई VLE पूछा मुझे सर अभी डीलर का निकल जाएंगे क्या सिस्टम से. सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर डीलर आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन सेल्स हम जरूर करेंगे सर्विसिंग पार्ट डीलर कर देंगे बिकॉज अभी आज सर्विस सेंटर बनाने में करोड़ों रुपया खर्चा होता है एंड वी डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द सिस्टम बिकॉज आपका गाड़ी जब बेचेंगे ना कस्टमर आपके पास सर्विस का है तो डीलर का रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
एंड छोटा छोटा टू व्हीलर का हम तो सर्विस बना सकते हैं, बट कार का थोड़ा एक्सपेंसिव अफेयर है. थोड़े दिन के बाद मे बी आफ्टर 1 or 2 years वी कैन लुक एट दैट मॉडल ऑल्सो. बट एट प्रेजेंट डीलर के साथ रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट. हमारा जो भी पार्टनर कंपनी है उनके साथ भी हमारा इम्पॉर्टेंट रहेगा. एंड आपके पास MBAs के पास मेले लगाएंगे, MBA के पास लोन मेला भी लगाएंगे, गाड़ियों का मेला भी लगाएंगे. एंड यू शुड ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू द एंटायर सिस्टम देर. अगर उधर गवर्नमेंट ऑफिस है, बैंक्स है, ओके, छोटे छोटे रूरल एरियाज में रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स भी रहते हैं. सो यू नीड टू हैव दैट इकोसिस्टम टू बी बिल्ट फ्रॉम MBA सेंट्रिक इकोसिस्टम भी हम बना देंगे. एंड इसी के बाद इसी के साथ मैं मेरा स्पीच खत्म कर दूंगा. एंड आई थैंक यू ऑल एंड आई विश ऑल द बेस्ट. एंड ये हमारा एक अच्छा एस्पिरेशन है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि वी आर गोइंग टू चेंज द सिस्टम. ओके, जो भी प्रोसेस है ना, सिस्टम ने प्रोसेस बदल रहे. एंड वी वॉन्ट टू मेक इट ऑटोमोबाइल बाइंग थ्रू CSE ग्रामीण स्टोर MBAs इज ईजियर एंड सिंपल. ओके, एंड जो भी ऑफर्स है कंपनी से, दे आर ऑल गोइंग टू गेट दोज ऑफर्स टू ऑल ऑफ यू. एंड वी ऑल्सो सी एंड ऑफ द डे हमारा VLE इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी नीड टू एंश्योर दैट यू ऑल्सो अर्न. अगर देर इज नो अर्निंग ना, इट इज गोइंग टू फेल. सो एंड हम ई स्टोर में देखे हैं दैट पीपल आर एक्चुअली अर्निंग एंड MBAs में भी डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अर्न मोर एंड मच मोर फोकस्ड वे. थोड़ा एम्बियंस क्रिएट करिए एंड कस्टमर विल कम टू यू. एंड दशहरा एंड दिवाली इज ए बिग विंडो फॉर ऑटोमोबाइल सेल्स इन इंडिया. एंड अभी हम द रीजन वाई वी आर स्टार्टिंग नाउ इज दैट अगस्त सेप्टेम्बर में हम खूब बुकिंग कर सकते हैं, सो दैट दशहरा का 1 week में आपको डिलीवरी मिल जाना चाहिए गाड़ियों का. सो कीपिंग दैट इन माइंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू यू विपुल. थैंक यू. थैंक यू सर. आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि MBA क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है, और आई थिंक बहुत अच्छी जानकारी दी कि VLE किस तरह से अपनी इसको अर्निंग को कर सकते हैं और अर्निंग बढ़ा सकते हैं. एंड नॉट इवन फॉर VLE, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द कस्टमर हु फॉर कमिंग टू देयर सेंटर्स. एंड वॉट इज द की पॉइंट, लाइक अ ब्रांडिंग इज अ वेरी की पॉइंट वेयर एवरी VLE शुड टेक केयर. तो ब्रांडिंग और केयरिंग ऑफ द कस्टमर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट VLE. और तो ये इसके बारे में आपने जानकारी मिली, आपको और भी जानकारी आपके स्पोक्स से, आपकी स्टेट टीम से मिलेगी. पर इसी कारवा को आगे लेते हुए हम मूव करते हैं कुछ VLE पे जिन्होंने MBAs के काम को इंट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है और उनका एक्सपीरियंस को जानते हैं. तो पहले हम मूव करते हैं उत्तर प्रदेश में. उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी. धर्मेंद्र जी, मॉर्निंग धर्मेंद्र जी. हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने MBA खोला, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे VLE भाई बहनों को. जी सर, मैंने सर काम जो है 9th month से स्टार्ट कर दिया था CSE ग्रामीण स्टोर से और ई मोविक से. सर हमने रेनॉल्ट का ज्यादा फोकस किया है और रेनॉल्ट में कई गाड़ी हमने बेची हैं सर, और कम से कम हम 25 गाड़ी डिलीवर कर चुके हैं यूपी एंड बेंगलोर में. और सपोर्ट मेरे आशीष और नमिता मैडम जो है स्टेट हेड, और उन्होंने काफी सपोर्ट किया है हमको. टाइम टू टाइम हमने डीलर विजिट भी किया है, और आशीष राय हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, PM है, उन्होंने हमको गाइडेंस दी है कैसे करना है, क्या करना है. और साथ अतुलराज जी हमारे स्टेट हेड हैं, उन्होंने बहुत मोटिवेशन किया है सर, और आप लोगों का सहयोग भी रहा है सर. थोड़ी आगे दिक्कत आई थी, लेकिन अब लगता है कि हम जो है आगे और अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि हम लोग पता नहीं थी सर. हम लोग लीड डालते थे, लीड की ट्रैकिंग नहीं हो पाती थी. मतलब हमने रेनॉल्ट की लीड डाली, किस डीलर के पास जा रही है, तो हम जिस डीलर से जुड़े हुए हैं तो उन डीलर से हम कस्टमर से बुकिंग करा करके वो तो डीलर को भेज देते हैं सर. तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, हेलो, हम सुन पा रहे हैं. क्या होता है सर कि डीलर जो गाड़ी डिलीवर करता है तो हमको केक काटते हुए गाड़ी की फोटो पिक करता है शेयर में, तो अपने रेनॉल्ट कंपनी ने RBC सेंटर
क्षेत्रों में केवल हमको चुना हुआ है, और भी हमारा जो एश्योरेंस है कि अशोका लैंडलॉर्ड भी हमसे जुड़ गया है सर, टाटा भी जुड़ गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमने क्विड गाड़ी बेची है सर मार्केट में, और ट्राइमर भी बेचा है सर, लेकिन टाटा में जो बुकिंग डिलीवरी जो है बड़े टाइम टेकिंग ले रहा है सर। पहले रेनॉल्ड वाले की बुकिंग जल्दी हो जाती थी, अब वो डिलीवरी टाइम जो है 20 से 25 दिन ले रहे हैं। ठीक सर, कुछ कलर का भी वेरिएंट हो जाता है, तो इसमें कुछ हमारी बुकिंग सर भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो मैंने अभी अपने कंसर्न अधिकारी से बात की थी रेनॉल्ड से, तो आपका जो है कलर का जो मिसमैच होता है क्लाइंट का, या कलर चेंज कर ले ताकि आपका जो सेल्स का एक्यूरेट जो है बुकिंग जो है 100% कन्वर्ट हो जाए। और आगे आगे मेरी प्लानिंग है सर कि महिंद्रा की जो 3 व्हीलर आता है बैटरी वाला, उसमें फोकस कर रहा हूँ, उसका मैं इवेंट लगवाऊंगा। दूसरा है अशोका लैंडलॉर्ड का भी आया है, बस बस का भी कर सकते हैं, और स्कूल बस का भी आया है। हेलो, बहुत आवाज आ रही सर? हाँ धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत हाँ, अच्छा। तो उसमें हम लोग जो है हमारा इस ईयर की जो प्लानिंग है कि इस मल्टी स्टोर से हम कम से कम इस ईयर में करीब 50,000 का 50 गाड़ी का हम सेल आउट करेंगे सर विद इन ए 3 मंथ के अंदर। और साथ में HDFC से हमने अभी अभी एक लिंक तैयार कराया है, जो हमारे क्लाइंट का अगर HDFC में खाता है जिनका, तो अपना वो अपनी एजेंटी चेक कर सकते हैं, और डीलर नेम से उनको विद इन 2 डेज के अंदर गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी, उनका लोन सेंक्शन हो जाएगा, हमको दोनों तरफ इंसेंटिव मिलेगा सर। HDFC बैंक भी देगी, प्लस जो कंपनी गाड़ी सेल करेंगे वो भी हमको मिलेगा सर। अभी अभी HDFC एक्सप्रेस लिंक तैयार किया गया है, तो उन्होंने मेरा इसमें इन पैनल कर लिया है सर। तो मैंने अभी डेमो किया, अभी थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है एक्सप्रेस लिंक में, तो ये विद इन 2 डेज की वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्लाइंट को कहीं भी पैन इंडिया बेस पे हम गाड़ी भेज सकते हैं सर, और लोन भी कर सकते हैं। ठीक सर, ओके सर, धन्यवाद। बहुत 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 बड़ी धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह आपने एक गाड़ी से काफ़ी गाड़ियां तक पहुंचे और क्या आपका प्लान है। और जैसा कि सर ने भी एक्सप्लेन किया था कि एक नहीं बहुत सारी इनकम इस MBA के साथ जुड़ी है, लोन है, इंश्योरेंस है, कार है, तो 3 एक प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है MBA। तो इसी को चलते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो UP के स्टेट हेड हैं अतुलित जी, उनके उनके वर्ड जानते हैं कि वो इस कॉन्सेप्ट को UP के लिए कैसा देखना चाहते हैं, कुछ क्या अपने VLEs के बारे में और बताना चाहते हैं, क्योंकि जो मिशन है वो 10,000 है और हम 16 पे हैं, तो किस तरह इसको आगे ले जा सकें। तो ओवर टू अतुलित जी। थैंक यू विपुल, सभी को नमस्कार। मेरा नाम अतुलित राय है, राज्य प्रभारी CSE उत्तर प्रदेश। एक ये जैसा कि ज्ञात है कि CSE में हम नित नए प्रयोग करते रहते हैं, और उसी के अंतर्गत ये एक नया प्रयोग हमने किया। और जैसे अभी ये जो मल्टी ब्रांडेड ऑटोमोबाइल हमारे जो सेलिंग पॉइंट्स बनते जा रहे हैं, ये जैसा कि राजा जी ने बताया, अपने आप में एक बहुत ही अनूठा एक प्रयोग है जिसे हम करने जा रहे हैं। और हमारा भी टारगेट यही है कि सबसे पहले जो हमारे ब्लॉक लेवल के हर ब्लॉक में हमारे 826 ब्लॉक्स हैं, तो 826 ब्लॉक पहले हम कवर करें, उसमें हम एक एक सेंटर पहले सबसे पहले हम बनाना चाहेंगे। और उसके लिए टाइमलाइन भी हम रख रहे हैं कि अक्टूबर एंड तक हम ये कम से कम 822 सेंटर तो हम कंप्लीट करें, ताकि हर ब्लॉक पे हमारा एक MBA तो हो ही हो। अभी बहुत सारी बातें हुई कि हम गाड़ी बेच सकते हैं, हम डबल इनकम कर सकते हैं, जैसा कि अभी धर्मेंद्र जी ने भी बताया कि एक ही गाड़ी एक ही प्रयास में हम उसको फाइनेंस भी करा सकते हैं, इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, गाड़ी भी बेच सकते हैं, तो तीनों का इंसेंटिव हमें हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसमें कि अशोक लेलैंड और महिंद्रा कमर्शियल व्हीकल जुड़ा है, और टाटा कमर्शियल हमारे पास पहले से था, और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सेल कमर्शियल व्हीकल की हमारी थोड़ी सी ज़्यादा है। और विभिन्न मंचों पे हम अपने जो सहयोगी वीएली भाई बहन हैं उन्हें ये प्रोत्साहित भी कर रहे हैं हम कि आप आए, आगे आए, और
देखिए जब हम एक जैसा कि धर्मेंद्र जी ने बताया क्विड बेच रहे हैं तो एक पर्सनल व्हीकल बेच रहे हैं। जब हम एक कमर्शियल व्हीकल बेचते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक नए रोजगार का सृजन भी कर रहे हैं। तो इसे उस नजरिए से देखते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा MBA आउटलेट्स बनानी है और उन्हें उस लेवल पे लेके आना है कि वो एक रोजगार सृजन केंद्र के रूप में भी, कि वहां से उन्हें सारी सुविधाएं, अगर जो हमारे युवा है गाँव में सेमी अर्बन में, वहां पे अगर उन्हें कमर्शियल व्हीकल की जरूरत पड़ती है अपने रोजगार को, अपने एक नया रोजगार का सृजन करते हैं हमारे बियली भाई, ये आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये रोजगार सृजन हमारे बियली भाइयों के द्वारा बहुत तेजी से इन MBA आउटलेट्स के द्वारा बढ़ेगा। ये इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हुए एक ये बहुत ही अनूठा प्रयोग और अनूठा इनिशिएटिव है जिसके लिए हम कंपनी और राजा जी को सहृदय धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू अतुलित जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई थिंक यूपी के जितने भी समस्या वेलीज हैं इसको अच्छे बारे से जाने होंगे। अभी हम मूव करते हैं अगले स्टेट पे जो कि है मध्य प्रदेश। वहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं हनीफ खान जी जो कि विदिशा डिस्ट्रिक्ट से हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह इसको किया, क्या किया। तो हनीफ जी आप अपने बारे में बताइए कि MBA के शुरुआत कैसी रही, क्या हुई। सर नमस्ते। सबसे पहले तो सर मैं हमारे पूरे मध्य प्रदेश के VLEs की तरफ से हमारे CSE के भीष्म पितामह आदरणीय त्यागी सर को चरण स्पर्श करना चाहूंगा। सभी VLE की तरफ से नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे द्वारा अभी जो है लोन मेले के माध्यम से अभी मैंने 5 लोन मेले करीब किए हैं। उनमें मैंने 24 जो है 24 लीड जनरेट की थी जिसमें से 10 सक्सेसफुली कन्वर्ट हुई है। इसमें रेनॉल्ट की गाड़ी भी है, टाटा भी है, महिंद्रा भी है, अतुल ऑटो भी है और इसके अलावा लोडिंग गाड़ियां भी मेरे द्वारा सेल की गई हैं। तो सभी जितने भी वेरिएंट थे सभी में मैंने काम किया है और 10 मेरी सक्सेसफुल लीड हो चुकी हैं जो कि कस्टमर को डिलीवर हो गई हैं। तो सर कैंप मोड में हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मुझे जो है हमारे स्टेट हेड आदरणीय श्री कमलेश बंजरिया सर और हमारे जो DM सर हैं निशान सेवाजी, सभी का बहुत अच्छे से सहयोग मिलता है। उन सबके सहयोग से मैं ये कैंप मोड में काम कर रहा हूँ और अच्छा रिस्पांस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अभी जैसा कि सर पता चला है कि अभी अभी अशोक लीलैंड भी हमारे साथ टाई अप हो गया है, तो इसके लिए सर मेरी यहाँ जो लोकल के बस एसोसिएशन है और ट्रक एसोसिएशन है उन लोगों से बात चल रही है, तो उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। मे बी पॉसिबल कि हम आने वाले समय में जो है ट्रक और बसेस भी हमारे MBA से जो है सेल कर पाएंगे। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मेरे सेंटर से सर कंप्लीट पैकेज मैं कस्टमर को देता हूँ, गाड़ी बुक करने के साथ साथ उसको जो है इंश्योरेंस भी मेरे यहाँ से कर रहा हूँ मैं, HDFC बैंक से उसको फाइनेंस फैसिलिटी भी दे रहा हूँ और सर ने जैसा बताया फास्टैग वाली, फास्टैग का भी जो है कम्प्लीट पैकेज में उसको करके अपने सेंटर से यहाँ से दे रहा हूँ। तो HDFC से तुरंत फाइनेंस हो जाता है, बहुत अच्छा सहयोग सभी से मुझे मिल रहा है। तो एक अच्छा काम यहाँ पर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी जो है सीजन आने वाला है दीपावली दशहरे का, यहाँ भी हम लोगों ने टारगेट रखा है कि करीब 15 से 20 गाड़ी हम पर मंथ ये 3 महीने जो है इसमें हम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कैंप मोड पे हम लोग इसमें काम करेंगे। इंश्योरेंस में सर एक छोटा सा आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि अभी एक टाटा AIA का इंश्योरेंस भी चालू हुआ है, तो उसमें पैन इंडिया सेकेंड पोजिशन पे 51,000 रुपये की पॉलिसी मेरे द्वारा अभी की गई थी। इसमें आदरणीय कमलेश बंजरिया सर स्टेट हेड सर का सहयोग मार्गदर्शन रहा और DM सर श्री निशान सेवाजी का उसमें मार्गदर्शन रहा, जिनके माध्यम से 51,000 रुपये की पॉलिसी अभी क्योंकि पैन इंडिया सेकेंड नंबर पे है टाटा AIA में। तो सर एक बहुत अच्छा जो MBA का कॉन्सेप्ट ई स्टोर के माध्यम से आया है, तो इसको हम लोग बहुत आगे ले जाएंगे। और जैसे कि मेरे सेंटर पे भी करीब 100 से 150 के कस्टमर पर डे आते हैं, उन सभी को हम ब्रोशर्स के माध्यम से और ब्रांडिंग के माध्यम से व्हाट्सएप सोशल मीडिया सभी तरीके से हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे मिल रहा है। अभी रेनॉल्ट कंपनी की तरफ से भी ऑफर आया था कि वो ये बोल रहे हैं कि आपके सेंटर पे जो है हम टेस्ट ड्राइव के लिए जो है कार यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे लिए। अगर टेस्ट ड्राइव के लिए कार अगर हमारे ही सेंटर पे खड़ी होती है तो कस्टमर को हम लोग यहाँ तुरंत के तुरंत वो भी
उसको शो करवा सकते हैं, टेस्ट ड्राइव दिलवा सकते हैं, तो उससे भी जो है सेल बढ़ने की संभावना रहेगी सर। सर थैंक यू अनिफ, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने एक और अच्छा ऐड किया कि फास्ट टैग भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप सेल कर सकते हैं। तो मूव टू द नेक्स्ट स्पीकर जो कि स्टेट हेड है कमलेश बंजारा जी। कमलेश जी, आप थोड़ा इस कॉन्सेप्ट के बारे में और आप अपने जो MP के व्हीलीज हैं उनको एक क्या संदेश देना चाहते हैं, तो वी वॉन्ट टू नो व्हाट डू यू कमलेश जी। नमस्कार सभी VLE भाइयों को, आदरणीय दिनेश त्यागी सर, सुबोध मिश्रा जी, राजा किशोर साहब और मेरे साथी स्टेट हेड्स, सभी लोगों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबने ज्वाइन किया हुआ है। जैसा कि राजा साहब ने बताया कि MBS जो है मल्टी ब्रांड ऑटो ई स्टोर्स है, तो इन ई स्टोर्स के माध्यम से हम सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अवेलेबल ऑटोमोबाइल सेक्टर के उनके लीड्स जनरेट कर सकते हैं, वो चाहे रेनॉल्ट का हो, महिंद्रा का हो, आपका टाटा का हो, आप अतुल ऑटो का कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, उन प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करके आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, उन प्रोडक्ट को आप फास्टैग लगा सकते हैं, उनका सिविल स्कोर आप निकाल सकते हैं, तो मल्टीपल कमीशन आप उसमें अर्न कर सकते हैं। अब हमारे जो हनीफ बीएली जो हैं, हमारे भाई हनीफ भाई हैं जो काफ़ी समय से ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करते आ रहे हैं और सभी प्रोजेक्ट में काम करते हैं और सभी में इनका बहुत अच्छा योगदान रहता है। समय पे ये जो है अपना सेंटर ओपन करते हैं, समय पे उसको बंद करते हैं और कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो जिनमें अगर उनको फायदा नहीं भी होता है तब भी वो समाज सेवा के लिए करते हैं। तो मेरा सभी VLE भाइयों से यही निवेदन है कि आप भी इसी तरह से जो हमारे अलग अलग स्टेट्स है अलग अलग VLEs जुड़े हुए हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस, उनके किस तरह से वो लोग काम करते हैं, उनके तरीके को समझें और अधिक से अधिक अपना मिशन अर्न करें। अभी जैसे बात चली थी राया साहब के प्रेजेंटेशन में, मैंने देखा कि एक बात हुआ सर्विसिंग को लेके, तो एक वाक्य हुआ था मेरे साथ में। अभी मैं जा रहा था फील्ड पे तो जो डस्टर गाड़ी है मेरी उसमें थोड़ा सा AC में काम नहीं कर रहा था, उसका AC वर्क नहीं कर रहा था। तो मैं एक गाँव के पास पहुंचा तो वहाँ पे अपना बढ़िया एक मैकेनिक था, उस मैकेनिक को मैंने बोला तो उसने कहा कि सर ये गाड़ी तो डस्टर की है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप थोड़ा सा आगे चले जाइए तो आपको 15-20 किलोमीटर बाद एक थोड़ा अच्छा बड़ा एरिया मिलेगा गांव का, वहां पे आप दिखवाइएगा। मैं वहां गया तो उसने अपने घर में ही अपना सेटअप लगा रखा था उस मैकेनिक ने, और मैं वो बाकायदा डस्टर मतलब अपने रेनॉल्ट से ऑथराइज है, उसने बाकायदा उसको पूरा चेक किया, उसके पास काफी सारे इक्विपमेंट्स थे, उसने इक्विपमेंट्स को लगा के उसको चेक किया, उसका प्रेशर वगैरह चेक किया, उसमें गैस है कि नहीं चेक किया। तो आप लोग भी ऐसे जो लोकल लेवल पे मैकेनिक्स अवेलेबल हैं आपके आसपास जिनके पास खुद का शॉप नहीं है, जो घर से ऑपरेट करते हैं, उनकी सेवाएं भी ले सकते हैं। उसके थ्रू आप जो है अपने जो सेंटर से आपने जो गाड़ियां सेल करी हैं, अपने MBA से आपने जो लीड जनरेट करके उनको रिटेल कराया है, उन गाड़ियों की सर्विसेज के लिए भी आप जो है लोकल लेवल पे ऐसे कई मैकेनिक्स को आइडेंटिफाई करके उनको हायर करके और एक रोजगार का उनके लिए भी अच्छा माध्यम आप बन सकते हैं। तो इस तरह से आप सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम लोग तो आपसे सीखते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे VLE भाई बहन काम कर रहे हैं, क्या नए उन्होंने इनोवेशंस किए हैं, उसको देखने के बाद ही हम सीखते हैं और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बस इससे ज़्यादा मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूँगा और आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू कमलेश जी, आपने बहुत ही अच्छे से आपने ये बताया कि किस तरह MBA का कॉन्सेप्ट है और क्या इसमें और एड ऑन किया जा सकता है, तो थैंक यू फॉर योर इनपुट्स एंड ऑल। वी नाउ हम मूव करते हैं अदर स्टेट्स में विच इज़ अ राजस्थान। तो राजस्थान में हम पहले स्टेट हेड जो आशीष पवार जी हैं, बनवर जी, उनसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे वो क्या इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, किस तरह समझ रहे, क्या एक VLE को मैसेज देना चाहेंगे राजस्थान के सारे VLEs को। तो ओवर टू यू आशीष बनवर जी। थैंक यू विपुल। सबसे पहले मैं हमारे माननीय MD सर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा, इनोवेटिव आइडियाज के लिए कॉन्स्टेंटली हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं सर। हमारे ग्रामीण ई स्टोर के CEO राजा किशोर जी, आपका भी स्वागत। हमारे ग्रामीण ई स्टोर के CTO सुबोध जी, विपुल, और हमारे सारे VLE जो आज हमारे साथ इस सेशन में है, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ।
MBAs तो हम लोगों ने जो अभी टर्मिनोलॉजी यूज करी है ये बिल्कुल इन ट्यून विद टाइम्स जिसको बोलते हैं वो चीज है. मल्टी ब्रांड आउटलेट्स जो हमारे हैं, ऑटो आउटलेट्स जो सीएससी के हैं, इस काम को तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट तकरीबन एक साल से शुरू कर दिया था. एक साल से भी ज्यादा समय हुआ है जिस दौरान में लगातार ये कंपनीज जुड़ती चली आ रही हैं हमारे साथ में. और जिस तरह से ये नए नए मॉडल्स नित नई कंपनियां सीएससी के साथ में हमारे साथ में ग्रामीण ई स्टोर के प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड हो रही हैं, आई थिंक इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है और एट द सेम टाइम इसकी जरूरत थी. तो जिस तरीके से हम शहरों में देखते हैं कि कई जगह इस तरह के रिटेल आउटलेट्स होते हैं, लोग इतना इतना पैसा लगा के बड़े बड़े आउटलेट्स खोलते हैं, हमने इस चीज को ग्रामीण स्तर पे लेकर के राजस्थान के अंदर भी लॉन्च कर दिया है. हमारे तकरीबन 88 सेंटर हैं और मैं कहूँ तो 100 से ऊपर बहुत जल्दी होने वाले हैं अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर. इन सेंटर्स के अंदर हम लोग जो प्राइमरीली जो काम करते हैं वो हम लोग कैंपिंग मोड में काम कर रहे हैं. हम लोग स्पेशल कैंप्स ड्राइव करते हैं और ये कैंप की जो ड्यूरेशन होता है ये तकरीबन मिनिमम साइट पे 2 दिन और मैक्सिमम साइट पे 3 से 4 दिन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एरिया की. राजस्थान आप सभी को मालूम है कि देश की सबसे लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल स्टेट है और यहाँ पे दूरियां बहुत हैं और इन दूरियों के चलते ग्रामीण गांव वालों को जाना दूर अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या इवन अगर बड़ा छोटे ब्लॉक्स में तो इस तरह की फैसिलिटी भी नहीं है. बड़े ब्लॉक्स पे जाना और मॉडल्स नहीं पाना तो कुल मिलाकर के बड़े जिलों में जाना पड़ता है अगर आपको गाड़ियां लेकर के पहुंचनी है. तो वहां पे तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है. वहां पे ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है हमारे लिए और इसके चलते सीएससी का ये प्लेटफॉर्म लोगों को लाभान्वित कर रहा है. हम लोगों ने ऑलमोस्ट 200 से ऊपर गाड़ियां रिटेल करी हैं सब मिलाकर के और इस क्रम को हम तेजी से बढ़ा रहे हैं. आज की अगर मैं बात करूं तो आज हमारा एक जो आपने क्रिएटिव देखा है आज के लॉन्च का त्यागी सर के फोटो के साथ, उसमें जो आउटलेट है वो उसी आउटलेट का आज इनॉग्रेशन भी है. और अच्छी बात ये है कि ये इनॉग्रेशन हमारे पार्टनर एजेंसी HDFC बैंक की ग्रुप हेड स्मिता भगत जी कर रही हैं. तो अब से कुछ देर में ही हम लोग रस्ते में हैं, बल्कि कुछ देर में हम लोग इस MBA स्टोर का इनॉग्रेशन करेंगे और उसी स्टोर के जो संचालक हैं हनुमान वो अभी आपसे रूबरू भी होंगे. सो विद दैट आई थिंक विपुल ओवर टू यू. थैंक यू आशीष जी. नाइस इनपुट्स आपके भी एंड वी मूव टू दी. जैसा आशीष जी ने बोला कि हनुमान जहां पर एक MBA का आज ओपनिंग होने वाला है तो हम उससे ही जानते हैं कि उसने किस तरह इस कार्य को किया और कैसे किया. तो हनुमान जो कि सिलोर अजमेर डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान से हैं, तो हनुमान आप थोड़ा सा जल्दी अपने बारे में बताइए. जी सर नमस्कार सभी को. मेरा नमस्कार जी सर. मैं अपने यहाँ सीएससी ग्रामीण स्टोर से कैंप मोड पे कार्य कर रहा हूँ. मैंने अभी तक लगभग 8 गाड़ी मैंने सेल कर दी है, उसमें 5 टाटा कमर्शियल और 7 ही अतुल और महिंद्रा रिनोल्ट सभी कर रहा हूँ. और मैं DVLE भी हूँ, मैं मोटो वोल्ट हूँ, DVLE का भी कार्य कर रहा हूँ सर. और अतुल और अपने रेनोल्ट का काफी अच्छा सहयोग है. रेनो से जो अपने हमारी यहाँ डीलरशिप है उनके CEO उन्होंने भी मेरे को अच्छा ऑफर दिया है. आप कैंप बोर्ड पे काम करिए, उनकी टीम भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है. इसके साथ ही अपने अतुल सर जो ग्रामीण स्टोर स्पोक है और लखन जी सर है, इनका भी काफी अच्छा सहयोग रहा है यहाँ पे. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. हमारे सर हमारे बीच में हमारे सिलोरा जो स्पॉन्सर्स हैं स्टोर दिखा दीजिए अपना स्टोर. नमस्ते सर. जी सर नहीं है बाहर ही शायद. ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम आ जाएंगे वहीं देखने के लिए. थैंक यू.
थैंक यू हनुमान, एंड आई थिंक इंस्पिरेशन आपका जो है वो कंटिन्यू रहे, और आई थिंक एक मिनट सर मैं दिखाता हूँ, ये देखो हेलो हाँ सर वीडियो आ रहा है, हाँ आ रहा है, लाइव है, लाइव है। कैमरा उल्टा कर दीजिए तो स्टोर दिखेगा। जी सर एक मिनट तक बाहर से दिखा। गाड़ी कौन सी है? ये रेनॉल्ट की लेट रेनॉल्ट गाड़ी। थोड़ा बोर्ड बड़ा लगाओ हनुमान जी, थोड़ा बोर्ड छोटा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, चलो वेरी वेरी बिग ईस्ट, वेरी गुड, थैंक यू हनुमान, एंड काफी अच्छा है, एंड आपको अभी से ही हम बधाई देते हैं। वैसे तो आशीष जी और अश्विता मैम पहुंच रही हैं, तो हम पहले आपको बधाई देते हैं स्टोर ओपनिंग की। इस कार्य को आगे लेते हुए अब हम मूव करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हम पहले मिलते हैं वहाँ के वीएलई जो एमबीए हैं प्रिया पाटिल करके। तो प्रिया पाटिल जी तो ज्वाइन नहीं है, पर उनके हस्बैंड हैं क्योंकि शेयरली, तो उनके वो उनके साथ ही कनेक्टेड एंड कार्य करते हैं, तो उनसे जानते हैं कि किस तरह ये कारवा और कैसे है। तो प्रिया पाटिल जी नमस्कार सर, मैं आंचल विकंडे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, सुन रहे हैं? हाँ बोलिए। मैं आंचल विकंडे, मैं और मेरी पत्नी प्रियंका पाटिल और हम एक साथ सीएससी सेंटर चलाते हैं। हेलो सर, आवाज आ रहा है, बोलिए। हाँ सर, हम कोरोना काल से ग्रामीण स्टोर से जुड़े हैं। ग्रामीण स्टोर ने हमें बहुत बढ़िया फायदा मिला के दिया है। ग्रामीण स्टोर की वजह से हमने टाटा कमर्शियल 7 गाड़ी बेची, उसका अच्छा से हमें कमीशन मिला और ग्रामीण एरिया के लोगों को हमने सेवा दी। और स्टेट एड के सर समीर सर, मुकेश सर और इमाम सर, वो भी हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। यहाँ के पीडी मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के टाटा के पीडी मोटर्स है, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से टाइप हुआ है। आज हमें सर मल्टी ब्रांड स्टोर का आज ओपनिंग हमें करने के लिए मिला, तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ सीएससी ग्रामीण स्टोर को और सीएससी को। थैंक यू पाटिल जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपको स्टोर्स, आपने अच्छा कार्य किया 7 कमर्शियल व्हीकल भी। मूव करते हैं जो कि वैभव जी, जो कि स्टेट हेड है महाराष्ट्र के, एंड वी लव टू नो कि वो क्या मैसेज एक अपने महाराष्ट्र के संपूर्ण व्हीलीज को, पूरे व्हीलीज को बताना चाहेंगे और क्या इस कॉन्सेप्ट के बारे में वो सोचते हैं। तो वैभव सर जी, विपुल जी थैंक यू, नमस्कार त्यागी सर और राजा और मेरे सभी सहयोगी और मेरे प्यारे वीली भाइयों और भाई बहनों, ये मैं बस ये बताना चाहूंगा मेरे वीली को। अभी अभी तक हम लोग खाली सिर्फ 110 ब्लॉक्स में ये एमबीए स्टोर अभी तक रजिस्टर कर पाए हैं। हमारा सबसे पहला कार्य ये होगा कि हमारे जो 351 ब्लॉक्स है सभी ब्लॉक्स में हम लोग इसको एस्टेब्लिश करें और हमारे जितने ये वीएलई लीड लेके एमबीएस बना रहे हैं इनकी पूरी सहायता करें। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर वीएलई के लिए। बहुत सारे वीएलई हमारे अभी इस कार्य में जुट गए हैं। मैं देख रहे हैं हम लोग हमारा कार सेल और कमर्शियल व्हीकल सेल आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। ये जो फेस्टिवल सीजन आएगा इसके लिए हम लोग हमारी तरफ से एक कोशिश ये करेंगे कि हमारे जितने भी एमबीएस हैं इनकी हम सहायता करें कि इनको प्रमोट कैसे किया जाए, इनका जो इनके लोकेशन से आसपास के इनके जो एरियाज हैं जहाँ पे इनका पोटेंशियल मार्केट है यहाँ तक हम इनको
इनका प्रमोशन करने में मदद करेंगे। ये हमारा आज पहला टास्क होगा ताकि ये अगले 3 महीने में इनको सबसे ज्यादा इसका फायदा मिल सके। MBA के आने से एक तो हर VLE के लिए ये मौका है, जो इसमें इन्वेस्ट करके अच्छी तरह से काम करेगा उसको ये बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आप सभी VLEs ये देख रहे हैं कि आज जब हम लोग किसी भी व्हीकल के डिस्ट्रीब्यूटर को देखते हैं, बड़े बड़े शोरूम देखते हैं, तो इन्होंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी और बहुत बड़े बन गए। यही आपका फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए। हमारे जो VLE हैं जो MBAs में आज पढ़े हैं, इनका यही फाइनल डेस्टिनेशन होगा कि हम इनको एक बड़ा सा स्टोर बनाने में मदद करेंगे। अभी नहीं, 3-5 साल के बाद दे विल हैव अ सब्सटेंशियल प्रेजेंस, विजिबिलिटी, अर्निंग पोटेंशियल तो होगी। हमारी तरफ से हमारी पूरी सहायता होगी कि इनको हम टाइम टू टाइम इनके जो भी प्रॉब्लम आए इनमें सपोर्ट करें। Besides the sale, जैसे अभी बहुत लोगों ने कहा है कि हम लोग इनका इंश्योरेंस करा सकते हैं, इनको लोन दिलवा सकते हैं, फास्टैग करा सकते हैं और अलाइड सर्विसेज। अभी जैसे कमलेश जी ने भी कहा कि थ्रू मल्टीपल टाइप, जैसे किसी मैकेनिक के साथ टाइप कर लिया या आप खुद ही अपने किसी फैमिली मेंबर को मैकेनिक का ट्रेनिंग दिलवा के एक सेल्स एंड सर्विस सेंटर भी चालू कराया, तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे। इन्हीं MBAs से हम लोग आगे चल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बेचेंगे, कुछ कुछ ने तो शुरू किया है, वो इंटरेस्ट भी जता है, और इनके यहाँ पे हम लोग चार्जिंग स्टेशंस भी लगवा के देंगे। ऑल इन ऑल इनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर ये पूरे तन मन धन से काम करेंगे। हमारा इनको पूरा सपोर्ट रहेगा कि इनको हम उनके एरिया में एक बड़ा बड़ा सा नाम करने का मौका दें और अपने आजू बाजू के लोगों को अच्छी सेवा देने का मौका दें। That's all I would like to say. All the best to all my VLEs across the country. Let us do a grand job on the MBAs. Thank you. Thank you, Vibhu sir. अच्छे से and next we move करते हैं अजमल खान जी, जो कि उड़ीसा से हैं, उनसे जानते हैं। तो अजमल जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि MBA आपका start हुआ कैसे हुआ, थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं। जी सर, नमस्ते सर। जी सर, ओडिशा में सर हमारा ये थे सर, हम लोग का सर बीच में किए थे आपका जो लोन का मेला का जैसे किए थे, तो उसमें 4-5 लेट दिए हैं, उसमें 2 लेट कन्फर्म हो गया है, मैंने सक्सेसफुल हो गया सर। बाकी सर जैसे सिस्टम अभी है तो जैसे डेवलप होकर चल रहा है सर, आगे चल के सर अच्छा बिजनेस बनेगा सर। थैंक यू अजमल जी, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कितनी गाड़ी सेल की। इसी को आगे कारोबार लेते हुए जो वहाँ की स्टेट हेड है सुन्य प्रभा जी, उनसे जानते हैं, और वो क्या अपने उड़ीसा के वीलिस को मैसेज देना चाहेंगे और क्या इस कॉन्सेप्ट के बारे में वो सोचते हैं। तो सुन्ना जी, आपसे थोड़ा जानकारी चाहेंगे हम। जी सर, जैसे कि सर अभी ग्रामीण स्टोर सर है जो सिस्टम सर, अजमल जी तो जरूरत नहीं है, ब्रांड हमारा CSC का है, बस उसके ब्रांड से हम जितना कमा सकते हैं सर, हम लोग को सर इसे हिसाब से सर करना, दिमाग लगा करेंगे तो सर अच्छा कमाई हो सकता है सर। इसका अभी जो सर जो अभी प्लेटफॉर्म आया है तो ये सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर। ऐसे तो सर मूवमेंट सब तो पूछ रहे हैं क्या है नहीं है, बता रहे हैं तो उसमें सर लीड आ रहा है। थैंक यू अजमल जी। स्वर्णा जी से जानते हैं, स्वर्णा मैम आपके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उड़ीसा के समस्त VLEs को और इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? थैंक यू विपुल एंड गुड मॉर्निंग टू MD सर एंड अदर कलीग्स एंड राजा जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग उड़ीसा सच ए स्पेस with honor. So I'm thankful to all of you on behalf of Team Odessa. और VLE से मैं बस एक ही लाइन कहना चाहती हूँ सबसे कि इनिशियली हमने 63 locations identify किया हुआ है, still another 250 locations left जहाँ की हमें चाहिए। और उड़ीसा fortunately is not like महाराष्ट्र, गुजरात, UP जो कि already developed है। We are somehow lucky that we are still developing because यहाँ पे opportunity बहुत है जो कि explorer होना भी बाकी है, and Odisha is a you know can be the biggest market for all the companies, ठीक है। और especially vehicles देखा जाए तो बहुत सारी companies में हमने last 1.5 year में देखा है, they want to reach to the last
corner through CSE network. तो उड़ीसा not only is a treasure for them, हमारे लिए भी बहुत अच्छा opportunity है to capture the market, because यहाँ पे अभी market capture नहीं हुआ है fully. So मेरा request है सभी VLE से, it's not about only 314 locations. हम अगर चाहें और आप लोगों का सपोर्ट हो और आप लोगों का डिमांड हो, देन एवरी पंचायत में हम लोग एक MBA सेटअप कर सकते हैं, जहां पे लोगों को कोई कमी ना हो, यू नो, कंपनी से डील करने के लिए, या कोई भी यू नो चीज उनका रिक्वायरमेंट जो फुलफिल ना हो सके. ऑल सर्विसेज विल बी डिलीवर्ड थ्रू CSE एंड वन पॉइंट सोल्यूशन जो हम बोलते आए हैं वो हम कर सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द VLEs वंस अगेन हु सेट अप 63 लोकेशंस. एंड अजमल जी, यू आर अ रोल मॉडल फॉर अदर VLEs एंड यू आर प्राइड फॉर टीम ओडिशा. आई विश 1000 ऑफ अजमल खान विल बी देयर इन माय टीम. थैंक यू सो मच विपुल. थैंक यू राजा भाई एंड थैंक यू MD सर. ओवर टू यू विपुल. थैंक यू मैम. एंड now we move to the next state, which is in top of the our map, it's JNK. So JNK mein Faisal ji hain, and we also unexpectedly ki JNK ka response kya hoga, but tremendous work done by the Faisal ji. So Faisal ji se jante ki kya unhone kiya, kaise kiya. To Faisal ji, so state head ke saath hai Faisal Mustang from Anantnag. गुड आफ्टरनून सर. जी सर, अनंतनाग से बोल रहा हूँ. वीएलई फैसल मुश्ताक. थैंक्स टू CSE टीम अनंतनाग, थैंक्स टू स्टेट कोऑर्डिनेटर शाहनवाज सर, जिन्होंने ये CSE ग्रामीण में एक इनिशिएटिव लाया है MBA का, मल्टी ब्रांड ऑटोमोबाइल स्टोर जो है. थैंक्स टू एवरीवन कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को रूरल एरियाज में, एस्पेशली जो मेरा एरिया है वो रूरल एरिया है, गांव एरिया है. यहाँ पे दूर कोई स्टोर नहीं है और लोगों को सफ़र करना पड़ता था कि बहुत दूर जाना पड़ता था गाड़ियाँ बुक करने के लिए. थैंक्स टू CSE अगेन एंड थैंक्स टू एवरीवन. मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट भी किया है जिसमें मैंने 4 गाड़ियाँ ऑलरेडी बुक किए हैं, जिसमें 3 एस गोल्ड की है और 1 V30 इंत्रा है. V30 इंत्रा मैंने कस्टमर को दी भी है, उसने डिलीवर भी की है. और थैंक्स अगेन एंड अगेन थैंक्स टू यू, जिसमें मुझे भी एक बेनिफिट मिलेगा, मैं एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आगे चला सकता हूँ. और आगे भी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प की ज़रूरत है मुझे, तो इनशाला सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपकी सपोर्ट करूँगी. थैंक यू फैजल जी. अच्छा, एंड यू मोटिवेट वेल टू VLEs. आपने अच्छे से बताया कि कैसे आपने ये काम किया और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विल हेल्प यू मोर किस तरह बनाएं. तो अभी इसको थोड़ा आगे लेते हुए, वहीं पास में शहनवाज जी हैं, उनसे थोड़ा जानना चाहेंगे एज ए स्टेट हेड कि वो आपके जो बाकी VLEs है उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे और MBA के कॉन्सेप्ट को आप किस तरह देखते हैं. तो ओवर टू यू शहनवाज जी. Good morning to everyone. Thank you, Vipul ji, for giving me a chance to speak on this occasion. Respected MD sir, Raghi sir, Raja Kishore sir, Abhut ji, aur mere pyare meri bhai aur behno, mera pyar bhara namaskar sabko. This was much needed in J&K. Ye initiative jo hai J&K mein hamare liye bahut zaruri hai, kyunki hamara jo territory hai, hamara geographical resistance hai, wo bahut tough hai, pahadi area hai. यहाँ पे श्रीनगर और जम्मू के छोड़ के कहीं पे भी ऑटोमोबाइल डीलर्स नहीं है आज की डेट में भी. स्वर्णा जी ने कहा कि अभी भी डेवलपिंग है, हम तो उनसे भी पीछे थोड़े से हैं. तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे गांव निवासी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी डिस्ट्रिक्ट बहुत मीनस के क्या बोलते पहाड़ी पे हैं, दूर दूर हैं, उनको जम्मू नहीं जाना पड़ेगा, उनको श्रीनगर नहीं जाना पड़ेगा गाड़ी बुक करने के लिए, कोई भी काम के लिए उनको श्रीनगर नहीं जाना पड़ेगा, उनको सिटी नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने गांव के में ही अपने ये गाड़ी बुक कर सकते हैं, यहाँ से इंश्योरेंस भी कर सकते हैं और यहाँ से लोन लीड भी जनरेट करके सारा काम वो मेरा VLE उनको यहाँ पे कर देगा. पहला जो हमने इनिशिएटिव लिया, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक MBA खोला है. अभी हम उनको ब्लॉक वाइज पे ले जाएंगे, हर एक ब्लॉक पे हम एक एक MBA स्टोर खोलेंगे
ताकि हम ब्लॉक लेवल पे सर्विस दे पाए और उसके बाद हम हर पंचायत में ट्राई करेंगे कि हम इसको करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 402 मॉडल सीएससी पंचायत में है जो कि ग्राम पंचायत भवन में है, तो वहां पे भी हम कोशिश करेंगे कि हम सारे इन 402 मॉडल सीएससी को कन्वर्ट करें एमबीएस में, ताकि हर कोई गांव निवासी अपने नेबरहुड में गाड़ी बुक कर सकता है, इंश्योरेंस भी वहीं कर सकता है, फास्टैग की सुविधा भी वहीं कर सकता है, सारा कुछ सर्विस हो वहीं से ले सकता है। सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर जेएंडके। मैं सारे वीएलई से गुजारिश करूंगा जेएंडके के वीएलई से कि वो इस इनिशिएटिव को आगे ले, हमें सपोर्ट करें और हम भी उनके सपोर्ट के लिए तैयार हमेशा है। थैंक यू वेरी मच विपुल जी फॉर गिविंग मी चांस। थैंक यू शनिवार जी। एंड नेक्स्ट वी विल मूव टू द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से चंद्र पासा करके हमारे साथ कनेक्टेड हैं वीएलई, जो कि वहाँ के एमबीए हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह वो इसको इनिशिएट को स्टार्ट किए और क्या उनका सोच है अभी इसके बारे में। चंद्र पासा जी, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, चांद पासा फ्रॉम आंध्र प्रदेश गुंटूर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक बोलना चाहता हूँ कि ऑल सीएससी टीम को, जो आपकी सोच जैसा डेवलप हो रहा है हम वीएलई इसी तरह डेवलप हो रहे हैं। ये सीएससी का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि सर विदाउट इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म, जैसा राजा किशोर सर ने बताया था, इन्वेस्टमेंट जो है हम वो कस्टमर ट्रस्ट है ना, वो उसे कमाना चाहिए। उस ट्रस्ट को हम कस्टमर के पास से, मैं डिजिटल सेवा से जब शुरू करा था 2015 से, वहाँ से कस्टमर का ट्रस्ट कमाना शुरू किया था। उसके बाद मुझे आपका सीएससी से एचडीएफसी बीसी पॉइंट और अदर सर्विसेज जैसा ई स्टोर भी ऐड किए थे, उसमें मैं तकरीबन 10 लाख का बिजनेस किया था सर। और उसके बाद आप इसको एमबीए को ज्वाइन किए थे, वो बहुत बहुत आपकी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सभी वीलर्स को और सीएससी टीम को, बाहर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है सर वो पूरे खाली एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, मगर ये जो सीएससी का डीवीएल है सब कंपनी मल्टी ब्रांडेड्स का डिस्ट्रीब्यूटर है। सो हम इवन कस्टमर का सर्विस कर सकते हैं और उनको जो चाहे हम सेल कर सकते हैं और उनको सर्विस कर सकते हैं, ऐसा ऑल सर्विसेज आर इन वन प्लेटफॉर्म सर। उसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और इसी डेवलपमेंट से हमारे यहाँ सीएससी टीम से भी सैदा वाली सर है, उन्होंने भी बहुत बहुत सपोर्ट किए थे सर हमारे को। और ये वीएलई अब डीवीएलई बन गया सर। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 वीएलईस को ट्रेनिंग दे रहा हूँ सर, सपोर्ट ऑफ आवर सीएससी टीम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। थैंक यू ऑल सर। इसी तरह आपका सोच बढ़े, हम भी डेवलप होंगे सर। थैंक यू चंद जी। एंड वी मूव टू द, आई थिंक रवि इज देयर हु इज द कोऑर्डिनेट फॉर दिस ऑल। तो रवि फ्रॉम एपी, रवि आप थोड़ा सा मैसेज देना चाहेंगे एपी के सारे वीएलईस और उनके बारे में कि क्या है एमबीए थोड़ा सा। Yes, sir. Good morning, everyone. So thank you for giving opportunity, sir. So first of all, sir, Gramina eStore is a good opportunity for rural peoples. So today we are launching multi-branded products, sir. So you have identified 123 locations from Andhra, sir. So I requesting all VLs from Andhra, let's generate more leads and let us support to rural people. So thank you, everyone, sir. Thank you, Ravi. And last, we move to the Madan sir, who looks the Chhattisgarh AP and other states. So we want to just a few glance of कि क्या MBA बारे में और क्या सर मैसेज देना चाहेंगे, तो Madan sir, over to you. Thank you, Vipul ji, respected MD sir, my colleagues and all the entrepreneurs. Sir, जैसे ये concept है मल्टी ब्रांड ऑटो ई स्टोर्स, ये एक गेम चेंजर प्रूव होने जा रहा है सर। और मेरे ख्याल से सारे कंपनीज का फुटप्रिंट रूरल एरिया में जा पाएगा थ्रू एमबीए, इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि सर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, पिछले महीने में हम लोग यहाँ ई मोबिलिटी वर्कशॉप किए थे,
और हमारा नारायणपुर एक हाईली नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से एक भीली आया था जिनेन्द्र। उन्होंने अपना स्टोरी बताया कि उन्होंने अपने घर में झूठ बोल के अपना ई हमारा ई बाइक को बुक कर दिया था। करीब 40 ई बाइक उन्होंने नारायणपुर में बेच दिया, और उसका पिताजी जो पहले उसको पैसा देने में मना कर दिए थे, और उन्होंने मार्केट से कुछ लोन लेके गाड़ी को बुकिंग किया, और उन्होंने अभी हमको बोल रहा है मैं 200 गाड़ी बेचूंगा इससे इसमें अभी। और उसका खाली एक ई बाइक नहीं है, बोलता है मैं स्कूल का गाड़ी बेच दूंगा, कमर्शियल व्हीकल बेच दूंगा, टाटा बेच दूंगा। तो एक्चुअली सर MBA उसी के लिए है जो रूरल एरिया में जिनके पास बाकी कोई फैसिलिटी नहीं है और CSE का सपोर्ट में, वो गाड़ी चला सकते हैं और बेच सकते हैं, प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उन्होंने अभी करीब 10 लाख का और हमको ऑर्डर दे रहा है, 10 लाख का अमाउंट दिया है। तो ऐसे बहुत सारा जिनेंद्र मेरे ख्याल से सर पैदा होंगे, और मेरे हिसाब से सभी ब्लॉक में एक MBA का तो स्कोप है ही। और इसका एक है सुबोध जी है इसके सर, हम लोग क्योंकि सभी ब्रांड का प्रोडक्ट को कर रहे हैं, इसका जो जैसे हम लोग बात किए थे कि 3D मॉडल में अगर कस्टमर का एक एक्सपीरियंस हो जाए गाड़ी का, और साथ साथ जैसे कंपैरिजन भी हो सकता है, जैसे कार देखो मैं मान लीजिए मैं टाटा रेनॉल्ट और को क्या क्या कंपैरिजन कर सकता हूँ हमारे उसमें हो जाए MBA के थ्रू, तो कस्टमर आजकल क्या है ना थोड़ा नया नया चीजें देख के वो मोटिवेट हो सकता है। ही विल मेक ए गुड चॉइस कि मैं मेरे को कौन सा गाड़ी लेना है, बिकॉज हम लोग मल्टी ब्रांड में डील करेंगे, सो उसमें कुछ कुछ वैल्यू एडिशन करें। और बिकॉज इट इज ए डिजिटल शोरूम, तो डिजिटल वे में हम लोग बहुत सारा गाड़ी का खूबिया व इसका एडवांटेज क्या है सब कुछ उसको दिखा सकते हैं। सो और सबसे अच्छा जितने भी डिफिकल्ट एरिया है वहाँ ये कंसेप्ट बहुत अच्छा चल जाएगा, क्योंकि वहाँ एक्चुअली लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो जैसे नारायणपुर यहाँ से करीब 300-350 किलोमीटर है, लोग रायपुर तक आते हैं पहले, तो हमारा वहाँ से हो जाता है। वैसे बहुत सारा VLE होंगे जिन लोग को सर एक गाड़ी का एक शोरूम एक कंपनी का शोरूम लेने में उनको इतना तकलीफ होता होगा, बट एक साथ CSE के माध्यम से सारे कंपनी का शोरूम मिल जाएगा, तो इट्स ए एडवांटेज फॉर ऑल VLEs। सो मेरे ख्याल से सारे लोग इसका फायदा लेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे सारे स्टेट में सर एवरी ब्लॉक में एक एक अच्छा ब्रांडिंग के साथ, जैसे सर ने बोले कि ब्रांडिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सो दैट लोग एक ऑटोमोबाइल स्टोर जैसे फील हो, और छोटा सा बैनर लगाने से फायदा नहीं है, लोगों को थोड़ा दिखेगा नहीं अच्छा, इसीलिए थोड़ा अच्छा क्वालिटी ब्रांडिंग और क्वालिटी इंटीरियर के साथ हम लोग इसको करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you, Madan ji, for the taking good inputs and all. I will take your inputs and will work on that. And move to the further. And तो हम लोगों ने VLEs MBAs के बारे में काफी डिटेल में जाना, किस तरह इसका प्रोसेस है, क्या इसके बारे में काफी VLEs हमने चर्चा की। हम तो इस सेशन को आगे लेके जाते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में मैंने बोला था कि ये आज इवेंट दो पार्ट में है, एक हमने MBA को लॉन्च किया, तो दूसरे पार्ट पे हम मूव करते हैं, विच इज अ वोकल फॉर लोकल, जो कि एक बहुत बड़ा मिशन है ग्रामीण का, वन ऑफ अ वन मिशन जो हम एक इंडिया के लिए बिल्ड कर रहे हैं, भारत के लिए बिल्ड कर रहे हैं, और वो उसमें सबसे बड़ा योगदान आप जैसे ग्रामीण स्टोर जो VLEs भाई चला रहे हैं उनका रोल है। तो उसी के अंतर्गत में आज हम आपको लेके चलेंगे वेस्ट बंगाल के, जहाँ के वोकल फॉर लोकल्स को हमने कुछ लॉन्च इस प्लेटफॉर्म से हम लॉन्च करना चाह रहे हैं। उसी में तीन लॉन्च है, पहला हम बताएंगे कि डेल्टिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ई बाइक्स पे काम करती है, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा हम करेंगे क्या बोलते दूसरा हम करेंगे हाउस ऑफ फैशन करके एक ब्रांड है उसके बारे में। तीसरा तारा मागा प्रसाद, जो प्रसादम आपने देखा होगा ग्रामीण का एक और कैटेगरी है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया का हर कोने का हर एक सिटीजन कोई से भी मंदिर या टेंपल या कोई से भी रिलीजन का प्रसाद वो ले सके, उस मुहिम में ग्रामीण स्टोर काम कर रही है, और उसी के अंतर्गत हमने आज एक और हम आपके साथ तारा महाप्रसाद को करेंगे। तो पहले हम जानना चाहेंगे डेल्टिक के बारे में, डेल्टिक क्या है, कैसा इनके प्रोडक्शन क्या है। तो डेल्टिक से वी आर वेलकम टू द देयर CEO मिस्टर अंकित अग्रवाल, जो कि आज हमारे साथ ज्वाइन है। तो वेलकम अंकित जी इन दिस सेशन, and over to you sir to know look chahenge ki what is the Deltic, what your products, what, so can you explain in just few minutes about your Deltic and all, over to you sir. Absolutely, yeah, thank you Vipul ji, thank you Raj ji, thank you MD sir, and good afternoon everyone. Mera naam Ankit Agarwal hai, main Delta Auto Corp company ka CEO and founder hu. Hum log electric vehicle mein 2016 se hain,
हमें 6 साल हो गया है ये बिजनेस स्टार्ट किए हुए, और हम लोग इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स बनाते हैं। हम इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर कैटेगरी में हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बना रहे हैं। हमारे पास 3 मॉडल है लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर के, और 2 मॉडल है हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर के। 3-व्हीलर कैटेगरी में हम पैसेंजर इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक लोडर्स और इलेक्ट्रिक गार्बेज वैन बना रहे हैं। हमारे 250 डीलर हैं अक्रॉस इंडिया, और हम लोग 23 स्टेट्स में अपना ऑपरेशंस कर रहे हैं। हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट हैं जो ईवी इंडस्ट्री में आए थे, और हमने पूरा लाइफ साइकिल देखा है 2022 तक। ईवी मार्केट आप लोग सब जानते ही हैं, बहुत अच्छा है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट। अगर मैं कुछ स्टैट्स की बात करूं तो पिछले साल केवल 2% गाड़ियां इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट, 2-व्हीलर सेगमेंट है, वो कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिक में। तो आप समझिए कि केवल 2% मार्केट अगर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हुआ, उसमें इतनी हलचल मच गई है। तो आप इमेजिन करें जब बैलेंस इलेक्ट्रिक कन्वर्ट हुआ, तो ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी होगी। So, उसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने VLESC सेटअप किया है, सर राजा जी, विपुल और आनंद जी के थ्रू ये काम करने का। सो वो चाहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में टुवर्ड्स आर डीलर्स, हमारा हमेशा डीलर फर्स्ट अप्रोच रहा है जब से हमने शुरुआत की है, और अभी तक और आगे भी हमारा यही विचार है कि हम हमेशा डीलर फर्स्ट अप्रोच रखेंगे, और यही रीजन है प्रॉब्ली हमारे सक्सेस का अभी तक का। एंड इसमें हमारा बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि हम टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स देते हैं अपने डीलर्स को, उनको एम्पावर करते हैं, अच्छी सर्विस और स्पेयर पार्ट्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं, टाइमली डिलीवरी और स्पेयर पार्ट्स हम उन्हें देते हैं। प्लस इसके अलावा हमारा मार्केटिंग सपोर्ट, जो हमारे किट्स है, लाइक मार्केटिंग किट है हमारा। सो एंड प्लस इसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो मार्केट से बिल्कुल अलग है। मतलब हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मी टू प्रोडक्ट नहीं है, मतलब वो एक जैसे नहीं दिखते, बहुत मॉडर्न रेंज ऑफ हमारे प्रोडक्ट्स है। एंड कंपनी का जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, हमें टॉप 5 इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर मैन्युफैक्चर और टॉप 5 इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर मैन्युफैक्चर में रहना है इंडिया में। तो इसी के लिए आपका भी बिजनेस बहुत बड़े हमारे साथ, एंड हम लोग मिलके इस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाए। साथ ही साथ मैं अपनी टीम की बात करना चाहूंगा, तो हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है। जो टीम कोर टीम है वो IIT से है, हमारे जो लोग हैं कुछ लोग IIM से हैं, प्लस कई लोग बड़ी बड़ी कंपनियों से जैसे रिलायंस से आए हैं, कई एक्साइड से आए हैं। तो हमने एक बहुत अच्छी टीम बनाई है जिससे कि हम ये बिजनेस को मिलकर आगे बढ़ा सके। हम पहली कंपनी थी जिन्होंने 150 किलोमीटर माइलेज का ई रिक्शा लॉन्च किया था इंडिया में। हमारा ई रिक्शा एक सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर का माइलेज देता है, जो कि कोई भी और व्हीकल आज तक इंडिया नहीं दे रहा। सो ये कुछ खासियत है हमारे प्रोडक्ट्स की जो मैं आपको बताना चाहता था। विपुल जी, ओवर टू यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड आई जस्ट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि आई एक्सपेक्ट कि एसोसिएशन बहुत अच्छा चले, बहुत लंबा चले, जिसमें सबको बहुत फायदा हो बिजनेस करके। एंड आई कैन अश्योर यू कि डेल्टिक का हमेशा आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू अंकित जी, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू थिंकिंग आउट योर ग्रोथ प्लान एंड एवरीथिंग। आई थिंक इसी के साथ हमारे साथ एक वीएलई हैं, अरिंदम डिकर जी, जो कि बनकुआर करके वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पहले डीलर भी बन रहे हैं आपके। तो अगर वो अनिरुद्ध जी आप कनेक्टेड हैं तो आप थोड़ा सा हेलो, तो पहले तो आपको बहुत बहुत बताइए, आप पहले डीलर हैं DLTK के, तो आपसे थोड़ा जानते हैं आपके पास प्रोडक्ट पहुंचा कैसा फील है आपका, क्या आप
डेल्टिक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे वेस्ट बंगाल के व्हीलीज को? सर 15 अगस्त हमारा शोरूम ओपनिंग हुआ था, तो पहले 6 गाड़ी और उसके बाद 6 गाड़ी, टोटल 12 गाड़ी है हमारे पास अभी। तो एक गाड़ी ओपनिंग का दिन ही सेल भी हुआ था, उसका मॉडल एंड कलर तो बहुत अच्छा है, कस्टमर को देखने पसंद हो गया, तो उसे उसी वक्त फुल कैश मिलाकर गाड़ी को खरीद लिया ओपनिंग के दिन ही। तो बहुत बहुत लोग आया था एंड स्कूटर को देखता था, लेकिन सभी को पसंद हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा हमारा भी। जो मार्केट में जो ई बाइक चलता है उसके साथ भी उसके आगे हमारा डेल्टिक का मॉडल एंड कलर डिजाइन स्टाइल सभी अच्छा है। तो आप बेच पाओगे? हाल 12 गाड़ियां बेच दीजिए जल्दी। एक कार ओपनिंग का दिन ही सेल हुआ था। ओके थैंक यू। अरे रंजी आपने बेचा और ये किया बहुत अच्छा, आप इसको जल्दी से निकालिए और दोबारा ऑर्डर करिए, हम ये और हमारी तरफ से आपको बताइए। हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांड जो कि हाउस ऑफ फैशन है। तो हाउस ऑफ फैशन से अबू ताहिर जी हैं, जो कि उस ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या है और वो कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या उसका है। तो ओवर टू यू अबू जी। जी सर, मैं एमडी राशिद अली हूँ, मेरा कॉल ही क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर यू, एंड मैं अभी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। पहला प्रोडक्ट है तो अच्छा है। दो चीज मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, बाकी कस्टमर का यहाँ से डिलीवरी और प्रोडक्ट क्वालिटी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो रियोन का सर प्लेन कुर्ती है जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है सर, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है सर, बहुत ही बढ़िया। और भी है सर, जब बेचेंगे जब बिकेगा ना तब पता लगे, ऐसे दिख के नहीं पता लगेगा जब हमारे। हाँ सर, तो वैसे बिक रहा है सर, बिक रहा है। चार लाख भी क्वालिटी को अच्छा लगेगा तो वो खरीदेगा। सी एंड ऑफ द डे अच्छा नहीं लगेगा तो वो नहीं खरीदेगा। एक बार गलती करके कर सकता है, बट ही विल do if it's a good quality. नहीं नहीं सर, अच्छा लगेगा, रेटिंग भी बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, मतलब एम्ब्रॉयडरी जो किया हुआ है ना वो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। हम आपको प्रोसेसिंग यूनिट दिखाना है, थोड़ा प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग दिखा सकते हैं सर? प्रोडक्ट बिट अब जब बाद में जब दिखाएंगे, प्रोडक्ट दिखाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो हमें बेच के दिखाना होगा, यू टू बिल्ड कैटलॉग व्हिच इज है ना, वो हमको तो हमें अच्छा लगने से कुछ नहीं हो, हमारे वीरली को और कस्टमर को अच्छा लगे, कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए। और सेल भी हुआ है सर, गुड। थैंक यू राशिद अली जी, मेसो और फ्लिपकार्ट पे हम लोग सेल करते थे। थैंक यू राशिद जी एंड अबू ताई जी आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पलाश जी, जो की तारा माँ का प्रसाद के लिए हमारे साथ कनेक्ट है रहे। तो पहले हम इनसे ही जानेंगे कि तारा माँ प्रसाद और इसके बारे में थोड़ा बताइए, इसकी मान्यता क्या है। गुड आफ्टरनून एमडी सर, टैगी सर, राजा सर, सर एंड अदर्स ऑफिशियल ऑफ सीएससी एंड आवर वीएलई। तारा पीठ कटे एक प्लेस है वेस्ट बंगाल का अंदर, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक शक्ति पीठ है। ये तारा माँ का बहुत पॉपुलर मंदिर है हमारा, ये जो ईस्टर्न रीजन में बंगाल बिहार उड़ीसा झारखंड एंड असम त्रिपुरा, ये रीजन का बहुत पिलग्रिमेंट ये इधर आता है। माँ का जो भोग लगता है वो तारा माँ का पेरा बोलता है, वैसे माँ का प्रसाद बनता है, तो वो भी ये प्लेस का बहुत पॉपुलर है।
तो हम लोग चाहेंगे जो आपका माध्यम से ये तारापीठ का नाम भी ऑल ओवर इंडिया में जाए और लोकल प्रोडक्ट हम लोग लोकल जो स्लोगन है उसका अंदर हम लोग ये ऑल ओवर इंडिया में ये सेल कर सके, तो आपका ये सहयोग से जो होगा तो बहुत बढ़िया होगा। इसलिए सीएससी को हम फिर से धन्यवाद जानना चाहता हूँ। तो हम लोगों का तो ऑर्डर अभी सब स्टार्ट हुआ है इस महीना से, नहीं ज़्यादा कुछ आया नहीं, तो होप ज़्यादा आएगा आपका सहयोग से। तो हम लोग ये क्वालिटी प्रोडक्ट हम आप सर से के पास कुछ सैंपल भी भेजा था, तो क्वालिटी प्रोडक्ट और डाक मित्र माध्यम से हम ये सप्लाई करेंगे विद इन द टाइम एंड क्वालिटी एंड अदर जो पैकेजिंग वो सब बढ़िया करके हम लोग ये देंगे। तो इसी है आप। थैंक यू कला जी, थैंक यू फॉर इन्फॉर्म। आई थिंक आप ध्यान रखिए कि क्वालिटी और लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ी प्रायोरिटी है जिसको आप ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं आगे। हमारे साथ स्टेट हेड वेस्ट बंगाल के अरूप बनर्जी सर हैं, उनसे जानते हैं ये तीन आज लोकल फॉर वोकल कनेक्ट हैं। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी वेस्ट बंगाल वीएलईज को और इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ओवर टू यू अरूप जी। नमस्कार नमस्कार विपुल जी, त्यागी सर को सर हमारे सबके तरफ से प्रणाम। राजा ऑल पाई कलीग, इज एम आई ऑडिबल? बोलो। हाँ सुन रहे? ओके। सो थैंक्स अ लॉट टू एवरीबॉडी फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। ये जो वोकल फॉर लोकल जो इनिशिएटिव्स है, मैं कई दिनों से सर हम लोगों को बोल रहे थे, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स इन वेस्ट बंगाल विच वी कैन डू। देयर आर टू थिंग्स जैसे विपुल जी ने लास्ट में बताया, बहुत इम्पोर्टेंट। एक है जो भी चीज़ हम करना चाहेंगे लोकल पर वोकल में, उसमें दो चीज़ की बहुत अहमियत है। पहला चीज़ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो हमारे से निकल के जा रहे हैं कोई भी कस्टमर के पास, ये एक बार अगर सही ढंग से नहीं गया तो सेकेंड टाइम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेल दैट वेरी सेम प्रोडक्ट टू द कम्युनिटी। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो हमारे जो भी वीएलईज हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सर, ये जो प्रोडक्ट भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं आज के डेट पे, हम लोगों ने पूरा इसका पूरा छानबीन किया और उसी के बाद ही इसको चालू कर रहे हैं। एंड डेल्टिक सीईओ सर को मेरा नमस्कार। इनफैक्ट truly speaking, Deltic is also once again have developed their product from West Bengal itself. So in that way, it is once again a local product. So Deltic also has got their plant in Asansol. So hum log usi se hum chalu kiye, and then jaise Palash ji ne bataya ki Shakti Peet, there are 51 Shakti Peet across India. Usme 51 Shakti Peetha mein se more than 50% is in West Bengal alone. Sir, we have just started with this Matara, this Prasad. Prasadam ke saath bhi sir, hum log iske saath aur bhi services jod rahe hain. Jaise ki dheere dheere ye stabilize ho jaye, to hum log already mandir authority se bhi baat kar rahe hain. So that from outside or from West Bengal, anybody, if they wanted to visit there, then usme jo VIP tickets vagera milte hain, वो भी इनके हमारे सिस्टम के जरिए उनको मिल जाए। आई मीन दैट ऑल्सो इज द नेक्स्ट प्लान। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जैसे हाउस ऑफ फैशन राशिद ने दिखाया, उसके बारे में सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सारे वीएलईज को भी बताना चाहूंगा कि सभी लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी मान के चले। राशिद का एक बैकग्राउंड है सर, जब हम बहुत दिन पहले एनडीएलएम करते थे, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मशीन का काम करते थे, उस टाइम पे राशिद एक ऐसा बंदा है जो मालदा जिले से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किया था, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग किया था। उसके पास आज के डेट पे भी 90 कंप्यूटर्स है, 90 कंप्यूटर्स से वो एजुकेशन सेंटर चलाता है। अलोंग द सेम ही हैज स्टार्टेड दिस बिजनेस। और सर इसने अपना सेटअप नहीं दिखाया, ये अगर सेटअप दिखाता तो उसी जगह पे ये जो हाउस ऑफ फैशन की बात कर रहे हैं उनका जो भी काम होता है सर, कटिंग से लेकर के स्टिचिंग तक और सिलेक्शन ऑफ द एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल अदर ग्राफिकल मीडियम, ये सारे ऑटोमेटेड प्रोसेस है।
कुछ कुछ जगह पे वो बहुत महंगा ऑटोमेटेड मशीन भी लगाया है, और ही इज एक्चुअली सोर्सिंग सम ऑफ द रूरल फोक्स का जो ड्राइंग होता है सर, मोटिव्स होता है, वो मोटिव्स भी लोकली वो सोर्स करता है. तो दीज आर थिंग्स विच वी हैव टेकन केयर. और दूसरी बात सर, ये जो भी लोग आज हम लोग ऑनबोर्ड कर रहे हैं, इन सभी ने डाक मित्र भी ऑलरेडी ऑनबोर्ड कर चुके हैं, पार्सल सेंडिंग कर चुके हैं, तो उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है. कि और हमारे सेंट्रल टीम के स्टेट लेवल टीम के तरफ से ये भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो डिलीवरी हो, ये डिलीवरी सिस्टम में कोई रुकावट ना आए. एंड फ्यूचर डेज में सर, सो मेनी न्यू थिंग्स टू कम, बाकी सारे चीजों को देखते हुए हम लोग सर करेंगे बाकी चीजें. तो this is a small initiative on local for local. So, thank you very much. थैंक यू अरुण जी. उतार को बोलो तो उतार आई जी आप म्यूट कर लीजिए. आप म्यूट थैंक यू. थैंक यू अरुण जी. अबू ताहिर जी आप रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट कर लीजिए अपना. हेलो. थैंक यू. तो इस सेशन को आगे लेते हुए एंड जैसा कि आपने एमडीएस के बारे में ज्यादा जाना और लोकल फॉर वोकल, अब हम जानना चाहते हैं हमारे त्यागी सर से, जो कि इस जो इनका सर का जो विजन और मिशन था कि एमबीए को लेके, तो और डिटेल में सर से जानते हैं और सर क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे पूरे परिवार को, सीएससी फैमिली वीएलईज को भी, कि किस तरह इसको करें और वोकल फॉर लोकल में. तो सर ओवर टू यू सर. तो वी नो वांट टू लिसन टू यू. थैंक यू विपुल. थैंक यू सो मच. सभी को, सभी वीएलईज को नमस्कार. एंड आल्सो वी ग्रेटफुल टू द पार्टनर्स हु जॉइंड, अंकित अग्रवाल जी जो आज जिनका हमने ई बाइक लॉन्च किया है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है. एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सीएसई. आज हमने जो मेन प्रोग्राम था वो एमबीएस का था. एमबीएस इज मल्टी ब्रांड ऑटो ई स्टोर्स. हमारे कुछ वीएलईज जो काफ़ी बताया कि एमबीए क्या है, उनको काफ़ी समझ में आ गया. और राजकिशोर ने एक्सप्लेन किया पूरा कि तर्क क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हमने डिज़ाइन किया. देखिए, देश में अगर देखा जाए तो मल्टी ब्रांड ई स्टोर, ऑटो ई स्टोर की ज़रूरत बहुत है और कुछ कंपनी शायद शुरू भी कर चुकी हैं मल्टी ब्रांड ऑटो ई स्टोर्स. तो अगर हमने नहीं किया तो कोई और कर लेगा, तो ये ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर है. एंड द फ्यूचर इन एनी केस, सीएससी ऑलवेज लुक्स इनटू द फ्यूचर एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू ओवरकम एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द बिजनेस क्वालिटी फॉर देम. तो हमारी वीएलईज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने लिए एमबीए स्टोर खोले. एक किसी ने शायद उड़ीसा से बोला था कि हम इसका अलग से नाम क्यों दे रहे हैं, और हम इसका जो है पहले सीएससी के नाम से भी बिक्री कर सकते हैं. देखिए, नाम इसलिए कि थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है. आप सीएससी में जो सर्विस देते हैं उसकी क्वालिटी और उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है. जैसा राजा ने बताया, ये गाड़ियों की बिक्री है जिसमें लोग 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख और 15 लाख की गाड़ी खरीदने आते हैं. So the customer who comes for buying auto is different from the customer who comes to get a ration card or get a birth certificate or get some recharge bill. So dono customer ka base alag hai, customer ki requirement alag hai, unki intentions alag hai. Isliye hame thoda alag sochna padega aur alag hi banana padega. Multi brand e-store mein Raja ne bataya ki sabse pehli zarurat jo hai ki hame उसको अलग से बनाना है, अपने सी एस सी की एग्जिस्टिंग शॉप में नहीं बनाना. तो जितने भी सी एस सी आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप अलग से एक छोटा सा कैबिन बना लो, इसका छोटा सा ब्रांडिंग कर लो, इनसाइड में टीवी लगा दो
एक पानी के लिए वाटर 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 की मशीन, एक चाय की मशीन, वो रख लो बैठने के लिए सोफा और टीवी का सिस्टम दिखाने के लिए। ये बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मत करना। शॉर्ट टर्म में आपने एक बोर्ड लगा दिया और आपने कहा कि मेरा मल्टी ब्रांड स्टोर शुरू हो गया, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद आपको भी तकलीफ होगी और हमारा जो पर्पज है वो भी सर्व नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है कि सीएससी एमबीएस जो होंगे वो थोड़ा अलग होंगे, वो मेन सीएससी से हटकर होगा, क्योंकि उसका कस्टमर बेस अलग है। बार बार समझना बहुत जरूरी है, अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना बिजनेस नहीं करेंगे तो आपको फिर लिमिटेशंस होंगी, उतनी एक्सपेंशन नहीं हो सकती जितनी आप एंटिसिपेट करते हैं। तो अलग से स्टोर बनाना, उस स्टोर का अच्छा सा अलग से दुकान खरीद, या तो खरीद लीजिए या किराए पे ले लीजिए, और या फिर अपनी एग्जिस्टिंग बड़ी दुकान में छोटा सा अलग से पार्टीशन करके उसको बनाइए, एंड देन डू प्रॉपर लाइटिंग इनसाइड, एक एनवायरमेंट टू फील फॉर पीपल हु वांट टू बाय 10 लाख गाड़ी, उसको महसूस हो कि मैं कोई अच्छी जगह आया। तो ये बहुत जरूरी है। लेआउट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जिन लोगों ने एग्जिस्टिंग सेंटर पे बोर्ड लगा दिया है वो ठीक नहीं है, और बोर्ड भी क्लोज साइन बोर्ड लगाना होगा। आप ये छोटे बोर्ड लगा के एमबीए नहीं चला सकते। आप लॉन्ग टर्म के बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ग्लो साइन बोर्ड लगाना होगा, और बड़ा बोर्ड लगाना होगा जो दूर से दिखे और रात को भी दिखे, लोगों को दिखे और लोगों को लगे कि ये नई दुकान किस चीज की है, व्हाट इज दैट इज एंटरप्राइजिंग, व्हाट इज द न्यू कम इनटू द एरिया फॉर देम। तो एक तो अपनी दुकान का लेआउट, अपने शॉप का लेआउट, और अपने सिस्टम को क्लीन करना, और अपने बोर्ड जो है बाहर वाला बोर्ड, वो जैसे मैंने बोला ग्लो साइन बड़ा बोर्ड लगाना है, और वो बहुत जरूरी है, वो मैंडेटरी है। आप ऐसे छोटे मोटे बोर्ड नहीं लगाइए, उससे हमें तकलीफ होगी और हमारा सिस्टम उस तरह आपको भी बाद में परेशानी होगी, आप उतना बिजनेस नहीं कर पाओगे। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सिर्फ आप ही करेंगे दूसरा कोई नहीं करेगा, इसमें नहीं होता। इस स्पेस को ऑक्युपाई करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत पहली बात। दूसरा, अपने स्टोर की लोकल पब्लिसिटी कराना है। तो अपने स्टोर जब आप लगा लेंगे, उसको ठीक से बना लेंगे, जैसा हमने कहा सजेस्ट किया उस तरह आपकी एनवायरमेंट क्रिएट कर लेंगे, तो लोकल लेवल पे एक उसको इनॉग्रेट करा लीजिएगा। इनॉग्रेट कर लीजिए, लोकल प्रेस वाले को बुला लीजिए, लोकल जो जान पहचान जो अच्छे इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनको बुला लीजिएगा, और उसका एक इनॉग्रेशन कीजिए। इनॉग्रेशन करने में लोग आएंगे तो लोगों की लोकल पब्लिसिटी होगी। आपको अपनी पब्लिसिटी खुद करना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करना है। और आप जब उस दिन पब्लिसिटी करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे, तो हमारे पार्टनर्स हैं उनको भी बुला सकते हैं, दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू सेटअप द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, ताकि वो अपनी ब्रांड और अपनी गाड़ियों को वहां पर दिखा सके। तीसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने स्टोर में कुछ फिजिकल प्रोडक्ट रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक तो है, कुछ फिजिकल प्रोडक्ट, बहुत बड़े नहीं। हम नहीं कह रहे कि आप टाटा कमर्शियल व्हीकल रख सकते हैं, वो शायद मुश्किल होगा, लेकिन जो टू व्हीलर्स हैं, जो टू व्हीलर्स हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं, वो ज़्यादा नहीं तो एक एक दो दो करके आप रख सकते हैं, ताकि लोगों को फील हो सके वहीं पर आपके यहाँ पे स्टोर में वो देख सकें। तो जितने भी छोटी गाड़ियाँ हैं या छोटे टू व्हीलर हैं या हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे रूरल ई मोबिलिटी का कंपोनेंट है, जिसमें हर गांव में इलेक्ट्रिक साइकिल्स लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, डिफरेंट वैरायटीज के एक एक सैंपल जरूर रख लीजिएगा। और उसको रखने के लिए जो कॉस्ट चाहिए वो आप अपने लिए लोन ले लेना। सब लोग जितने भी अभी मल्टी ब्रांड ऑटो स्टोर खोलना चाहते हैं, या तो अपना पैसा लगाइए या फिर आप HDFC से खुद लोन ले लेना, और लोन लेके अच्छा सा बनाते हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ बहुत जरूरी है और आपको बड़ा बनाना, बड़ी सोच भी करनी पड़ेगी, ताकि आप फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बिजनेस अपने लिए क्रिएट कर सकें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बहुत यूनिक है, मैंने बोला देश में शायद पहली बार मल्टी ब्रांड रिटेल ई स्टोर्स, ऑटो स्टोर्स खोले जा रहे हैं। सब कंपनियां अपनी अपनी कंपनी का स्टोर खोलती हैं, लेकिन मल्टी ब्रांड ऑप्शन नहीं होता है सबको। कस्टमर को चूज करने के लिए इज वॉट सीएससी का मकसद ये है कि कस्टमर के पास चॉइस होना चाहिए, उसको जो अच्छी लगे, जिसका रंग अच्छा लगे, जिसकी डिलीवरी अच्छी हो, जिसमें हमारे बिजली को इंसेंटिव थोड़ा अच्छा हो। दैट ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजली का इंसेंटिव कितना है, और सर्विसेज सपोर्ट ऑल्सो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो ये चीजें बेसिक हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें तो 10,000 बनाने हैं, और 10,000 क्यों बनाने हैं उसका भी मकसद है।
जैसे हमारे उस बच्चे ने अनंतनाग से पूछा कि उसने कमर्शियल व्हीकल बेचे, और किसी और ने भी पूछा कि उसने शायद धर्मेंद्र जी ने कहा था कि उन्होंने भी कमर्शियल व्हीकल्स बेचे हैं, एंड हनीफ हैज डन ए ग्रेट जॉब, हनीफ खान फॉर मध्य प्रदेश, उसने भी अच्छी गाड़ियां और कमर्शियल व्हीकल्स बेचे हैं, उसने थ्री व्हीलर्स बेचे हैं। तो हमारा पर्पज एक है, अगर हमारे 10,000 MBAs अगर 100 गाड़ियां भी बेच सकते हैं, थ्री व्हीलर्स टाइप, थ्री व्हीलर्स या सेमी या छोटे कमर्शियल व्हीकल्स, तो हम लोग 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। 10,000 × 100 विल बी 100 व्हीकल्स विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर अबाउट 1 मिलियन पीपल। देश में ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। सीएसई डिफरेंट, सीएसई नॉट ओनली सेलिंग गाड़ी, सीएसई क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन लोकल लेवल। तो हम लोग लोगों को नौकरियां दिला सकते हैं बिजनेस के लिए, और ये थ्री व्हीलर्स जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। हमारे पास काफ़ी थ्री व्हीलर्स हैं, और अभी भी हमारी सर्विस, हमारे पार्टनर्स की सर्विस ऑन थ्री व्हीलर्स इज वेरी गुड, और सब तरह के थ्री व्हीलर्स हैं। वो हर गांव में किसी न किसी को थ्री व्हीलर की जरूरत होगी बिजनेस के लिए, आप उसकी मदद कर दीजिएगा, लोन दिला दीजिएगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए हो, या अपनी वेजिटेबल बेचने के लिए हो, या सामान बेचने के लिए हो, या गाँव से शहर जाके सामान या सवारियाँ ले जाने के लिए हो। All that part of the work will create an employment potential. तो हमें 1 million jobs create करनी है, 10 लाख job create करना है through 10,000 MBAs. That is our purpose. That's very important. तो हमें ये समझना होगा कि हम MBAs क्यों कर रहे हैं, क्यों हम गांव में लोगों को रोजगार दिलाने में CAC मदद करेगा, and that is what CAC's contribution will be remembered. ये शायद कोई ज्यादा remember नहीं करेगा कि आपने कितनी गाड़ियां बेची, पर ये जरूर याद रखेंगे, देश भी याद रखेगा कि सीएसई ने कितने लोगों को रोजगार दिलाया। सो आवर पर्पस इज टू क्रिएट 1 मिलियन जॉब्स, एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव टू ट्राई एंड फोकस लार्जली ऑन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन व्हीकल्स एंड सपोर्ट द पीपल टू डू दैट। आजकल टू व्हीलर में भी लोग बिजनेस करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग बिजनेस इन टू व्हीलर्स ऑल्सो। तो ये जरूरी नहीं है कि थ्री व्हीलर ही जरूरत है, जिसको टू व्हीलर में छोटा छोटा सामान लेकर के लोग जाते हैं, सर्विसिंग करते हैं। इफ देयर इज अ पर्सन हु वांट टू डू सर्विस ऑफ अ फ्रिज और समथिंग, और दीज पीपल हु आर विद द सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक जोमेटो और समथिंग, दे ऑल नीड टू व्हीलर्स। सबको जरूरत है, और अभी गांव में भी ये सर्विस चलेगी, जब पीपल कैन ऑर्डर समथिंग ऑफ दैट नेचर एंड कम टू देयर ओन हाउस। तो हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे सीएससी जो एमबीएस बना रहे हैं उनको हमारा सिर्फ पर्पस यही नहीं कि हम यहाँ, ये तो हमारी शुरुआत है। तो जैसा किसी ने कहा कि हम लोग फिर आपके एक चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे ताकि आप चार्जिंग कर सकें, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत डिमांड है, और फ्यूचर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन होगा, हिंदुस्तान में होगा, एंड देयरफॉर दे विल बी ऑल्सो रिक्वायरिंग चार्जिंग स्टेशंस ऑफ दैट नेचर। तो हमारे CACs can also become service provider at least to the extent of charging stations. और कुछ जैसा हमारा कमलेश ने बताया कि कुछ मैकेनिक्स हैं, हम उनके साथ टाई अप करके हमारे CACs उनको भी छोटा छोटा सर्विस प्रोवाइडर सब हम बनवा सकते हैं। हम अपने पार्टनर से एग्रीमेंट हमारा है, हमारे पार्टनर सब सपोर्ट करते हैं, और आपकी नज़र में आपके आसपास कोई मैकेनिक है who can repair these vehicles and do some part of servicing, we can get them authorization from our partners to become service also. So that will also create future employment. And they can be also branded CAC MBA service providers. They can also be branded in a similar fashion. So they can also be partnered in that fashion. So we are doing a very comprehensive framework in that sense. But बहुत अच्छी opportunity है, and I think हमारे state head की responsibility है कि हम ये 10,000 के सेंटर्स एज क्विकली एज पॉसिबल बना दें। बनाने का पर्पज जो मैंने बना उसको ठीक से करना होगा, अलग से कराना होगा, और पोटेंशियल बहुत है, और बहुत सारी स्टेट जैसे जम्मू एंड कश्मीर में बताया, छत्तीसगढ़ के डिफिकल्ट एरियाज में बताया, और उड़ीसा में बताया, जहाँ पर बहुत एम्प्लॉयमेंट की, लोकल एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है, और इन गाड़ियों से हम लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके गाँव वालों में गाँव को सुधार सकते हैं, गाँव की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड वी कैन स्टी आर पर्पज इज ऑल्सो टू एनहांस मोबिलिटी फॉर पीपल इन रूरल इंडिया, जो हमारा रूरल ई मोबिलिटी इनिशिएटिव है। तो ये एम बी एज विल ऑल्सो हेल्प अस फुलफिल अ लार्जर विजन ऑफ रूरल ई मोबिलिटी। हर गाँव में हर आदमी मोबाइल हो, और इतना मोबाइल हो जैसा शहर में हो,
तो हम लोग गांव और शहर के बीच के अंतर को कम कर पाएंगे एंड दैट इज ऑल द होल पर्पज ऑफ सीएससी। तो आप सब लोग जिन्होंने आज हमारे साथ पार्टिसिपेट किया उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। एंड हमारे जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो बंगाल से आज लॉन्च हुए हैं, हमारे पार्टनर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे VLEs वर्क ऑन ए डिफरेंट फॉर्मेट, उनको समझना होगा कि VLE कैसे ऑर्डर देता है, वो क्यों ऑर्डर देता है, उसमें दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और हमारा एक बच्चा है जो VLE है, उसकी हमने करीब 20,000 के करीब टी शर्ट बेच दी, हमने करीब 40,000 के करीब तिरंगा बेच दिया थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर्स 5 लाख हैं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो हर एक आदमी एक एक खरीद सकता है, तो 5 लाख बिक सकते हैं, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट में और हमारे सीसी वीएलई में इंसेंटिव होना चाहिए। इफ दे नो सफिशिएंट इंसेंटिव देन प्रॉब्ली ही विल हैव हिज ओन एप्रिहेंशंस इन ट्राइंग कैटरिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है एंड अभी तो सारे वीएलईस के लिए वैसे भी ये आज ये वाला साल बहुत अच्छा है, क्योंकि रेड फोर्ट से प्राइम मिनिस्टर ने सीसी की तारीफ की है, तो ये तारीफ आप सबकी है, आप सबका काम बोल रहा है, आप सबका काम जो रिकॉग्नाइज किया गया है एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15th अगस्त सेइंग एंड अप्रिशिएटिंग द वर्क बीइंग डन बाय कॉमन सर्विस सेंटर इज रिमार्केबल। तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना होगा, अपने सेंटर्स का डिजाइन और स्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, क्योंकि बहुत लाख लोगों की नज़र अब सीएससी के ऊपर होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, तो बहुत लोग सीएससी को परखेंगे, देखेंगे, समझेंगे और फिर अपनी ओपिनियन सीएससी के बारे में जाहिर करेंगे। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट एनहांस सिग्निफिकेंटली, और हमारे लिए तो इट्स मोमेंट ऑफ ग्रेट फाइव, बिकॉज ये 5 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ जो सीएससी में काम करते हैं, दे डन अ फिनोमिनल वर्क इन दैट सेंस, बहुत अच्छा काम किया है, वैसे ही बहुत एंटरप्रेनर्स हैं। और हम सबका ये भी पर्पज था कि क्योंकि आप जैसा राजा ने बोला, आप इतनी काम करते हो, इतना मल्टीटास्किंग एक्टिविटी करते हो, शायद किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होगा, कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऐसा काम नहीं सिखाता, इतना काम नहीं सिखाता, कोई भी मैनेजमेंट की डिग्री वाला शायद इतने काम नहीं कर सकता। तो जैसा अंकित जी बोल रहे थे, उनके पास IIT और IIM वाले हैं, ये हमारे बच्चे तो MBAs हैं, बट दीज MBAs आर ग्राउंड लेवल MBAs, दे आर फिनोमिनल, इनकी क्वालिटी और कैपेबिलिटी इज सो फिनोमिनल that probably any good institute will not be able to try and meet the expectations of the nature they do it. Difficult hai, gaon mein kaam karna itna aasan nahi hai. To gaon mein kaam karke business create karna itself is a big challenge within the government. Ye bachche bahut mehnat karte hain, bachche aur bachiyan, aur inki mehnat hi inke kaam ko batati hai. Humne inse bahut sikha hai aur inki zaroorate bahut hain. Aapne sabko dekha, complain nahi ki, तकलीफें होती हैं, परेशानी होती है, कई बार गाड़ी की डिलीवरी में डिले होता है, बट सी हम लोग क्योंकि इस एनवायरनमेंट में काम करके सीख गए हैं एंड देन वी आर लिव टू देम, हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है, बट कई बार हमको कंप्रोमाइज करना पड़ता है एंड देन वी ऑल्सो नीड दी कस्टमर्स वर्कआउट रिक्वायरमेंट फॉर देम। बिजनेस बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो हमारे CSC सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, जल्दी से जल्दी अपना एक छोटा सा MBA बनाइए, और अगर आप खुद नहीं बनाते हैं तो किसी और को अपने साथी को लगा करके उसको एक दूसरी दुकान में MBAs का शुरू कीजिए, अच्छा सुंदर बनाइए, ताकि 20 लाख और 25 लाख वाली गाड़ी खरीदने वाले लोग अलग से आके एक अलग सी फील महसूस करें कि ये CSE का MBA है एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू क्रिएट अ डिफरेंट एनवायरमेंट फॉर देम। इसीलिए हमने अलग से ब्रांडिंग किया है, तो सारे एक तो सारे VLEs MBAs बन जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड दिस इज एक्चुअली बिकॉज the true MBA, you are the true MBAs. The MBA is not one which got a degree from some big institute, but MBAs are one who is working and creating new startups. You are the revolution for MBAs. You are actually a model and example for people to understand. Aur abhi kuch institutes hain, bahut bade institutes hain, wo study bhi kar rahe hain ki CSE mein ye kaam kaise karta hai, kaise business badhata hai. Abhi kisi ne kaha ki usne 10 lakh ki gaadi bech di, bahut aasan nahi hai, bahut aasan nahi hai, लोगों को ट्रेडिशनल सिस्टम से हटा करके अपने सिस्टम में ला करके उनको कन्विंस करना और उनको ये सारी सहूलियतें प्रदान करना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। इट लुक्स सिंपल बट इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब, बट आर रियली हैज द कैपेबिलिटी ऑफ ट्राइंग क्रिएटिंग दैट अपॉर्चुनिटी फॉर देमसेल्व्स एंड ऑल्सो क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर कस्टमर्स फील वेरी कॉन्फिडेंट
दे कैन अवेल दिस सर्विस। तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, और आज जैसे हनुमान जी का तो इनॉग्रेशन हो रहा है तो उनको बहुत बहुत बधाई, और SGFC की स्मिता भगत जी आ रही हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं, कुछ करा लेना उनसे, लोन सेंक्शन करा लेना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा लोन ले लेना, नहीं नहीं करेंगी तो मुझे बता देना। सेम फॉर आर सर, थैंक यू सो मच। फैसल फ्रॉम अनंतनाग, आपको भी अगर बच्चे लोन लेना है तो आप बताना, हम आपकी मदद करेंगे। धर्मेंद्र जी का सेंटर बहुत अच्छा है, उन्होंने काफी मेहनत की है, एंड ही कैन बी अ ग्रेट एक्सपेंट ग्रेट पार्ट फॉर देम। हमने अजमुल खान जी और हनीफ खान, वो मध्य प्रदेश से दोनों, हनीफ इज ए हीरो ऑफ कोर्स, हनीफ बहुत पहले से मैं जानता हूँ, हनीफ बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अभी थोड़ा और भी अच्छा कर सकता है, ही कैन स्टिल डू बेटर एंड बिकम एन एग्जाम्पल फॉर देम। सो आप रोल मॉडल्स हैं, आपको देख करके हमारे दूसरे वीली इस सिस्टम में जुड़ेंगे, और शायद हम देश में एक बहुत यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जो शायद पहले कभी नहीं बना है। एंड आई श्योर यू, थोड़ा रिस्क लेना, थोड़ा मेहनत करना, थोड़ा पैसे लगाना, बट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट इनटू दिस एंड क्रिएट अ बिजनेस फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, नमस्कार, और सभी को शुभकामनाएं फॉर वॉट एवर फॉर बिकमिंग ऑल द MBAs। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, वन ऑफ अगेन एक वंडरफुल मैसेज और एक मोटिवेशनल मैसेज है हमारे वीलीज के लिए कि, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया से कि क्या इसका पर्पज़ है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और जिस तरह CSC हर दिन हर रात एक मिशन मोड पे कि किस तरह हम गांव में, एक तो गांव और शहर की दूरी को कम करें, साथ ही साथ किस तरह वहाँ पर ही हम लोकल जॉब्स एक को क्रिएट करें, जिसमें एक MBA भी एक बहुत बड़ा एक फ्यूचर एक मॉडल है। तो जैसा सर ने कहा कि एक फ्यूचर मॉडल है, तो जितनी जल्दी आप इस अपॉर्चुनिटी को गेन करेंगे, वीएलईज वो इस प्लान मॉडल को अडॉप्ट करेंगे, उतना ही आप इस ग्रोथ में बढ़ेंगे। तो कि जैसा कि सर ने कहा कि ग्रोथ इज द फ्यूचर ग्रोथ, अगर आप ग्रोथ नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचरिस्टिक प्लान नहीं रहेगा। तो आप उस तरह से जल्दी से, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आज ही आप MBA रजिस्ट्रेशन करिए, साथ में रजिस्ट्रेशन के बाद जो सर और राय सर ने बोला कि ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप मेंटेन करिए, क्योंकि ब्रांडिंग आपके कस्टमर को हैप्पी फील भी कराता है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ब्रांडिंग को प्रॉपर क्रिएट करिए, जो कि सर ने बोला है, और हम और जो राय सर ने बताया कि आप प्रॉपरली अरेंज करिए जिससे आपके कस्टमर को गुड फील करें और आप वहाँ पर ही बवर। तो इसी के साथ एंड हमने जो वोकल फॉर लोकल कंपनीज को इंट्रोड्यूस किया है आज, उनके भी ऑर्डर्स आप प्लेस करिए। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को अब समाप्ति की ओर जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ त्यागी सर का, सुबोध सर का, राजा सर का, और साथ में हमारे सारे स्टेट हेड जो जिन्होंने इस इवेंट के लिए टाइम दिया और एक्सप्लेन किया अपने VLEs को और उनके बारे में, तो धन्यवाद। और साथ में बहुत बहुत बधाई उन सभी VLEs को जो आज इस MBA की ओपनिंग में जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़ पाए उनको भी बधाई जिन्होंने काम शुरू किया और गाड़ियां बेच रहे हैं। तो आप जल्दी से, अगर ब्रांडिंग नहीं किए तो आप ब्रांडिंग करिए और आप इस्टेब्लिश करिए, और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन करिए। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी VLEs को जो हमारे साथ आज फेसबुक लाइव में जुड़े भी हैं और अच्छे से हमारे इसको सुने। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट जितने भी स्टेट टीम है या डिस्ट्रिक्ट टीम है उनसे कांटेक्ट करिए, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो एक छोटा सा बैनर है जो आज हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, ये है हमारा बैनर है MBA का, जो एक आपको बोर्ड करना है बाहर, और ये सब अवेलेबल है आपको एप्लीकेशन में, आपको मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके बोर्ड करा सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। तो Thank you all. Namaskar. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. Thank you all, state heads, VLE. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.